यस, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जो मुझे सुन रहा है उसके हिसाब से कैसे हो सब लोग। होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। एंड गाइस, आज से हम लोग जो चालू कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट अवेटेड लेक्चर फॉर द सीए फाइनल मई एंड नवंबर 2019 एग्जाम के लिए, रिविजन लेक्चर। तो आपके एग्जाम के लिए जो रिविजन लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं बता दूं, ये जो रिविजन लेक्चर है, दिस रिविजन लेक्चर्स इज एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2018। फाइनेंस एक्ट 2018 से जो भी अमेंडमेंट्स है वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं रिविजन लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है, दैट इज द जनरल टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। सर, टैक्स रेट क्या है 1920 के लिए? देखो, टैक्स रेट दो तरह की होती है, एक स्पेशल टैक्स रेट, एक जनरल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट कौन सी होती है? जो एक सेक्शन 115A में अपन पढ़ते हैं। जैसे 115A में पढ़ते हैं, रॉयल्टी पे वगैरह 10% टैक्स लगेगा, या LTCG पे 20% टैक्स लगेगा, 111A में अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स लगेगा, वो सब स्पेशल टैक्स रेट है। सर, स्पेशल टैक्स रेट को छोड़ के बाकी जो होती है, दैट इज द जनरल टैक्स रेट। सर, जनरल टैक्स रेट क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। क्या बोला? इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनके केस में आपको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा। अप टू 250,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 से 5 लाख तक 5% की रेट से टैक्स लगेगा, 5% 5 लाख से 10 लाख तक 20% की रेट से टैक्स लगेगा, और मोर देन 10 लाख है उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अब एक बात समझना, अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन हो जाता है, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए जिसका प्रीवियस ईयर में एज है वो 60 या उससे ज्यादा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए आपका बेसिक एग्जेम्पशन है वो 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 3 लाख टू 5 लाख, 5% 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। और अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन हो जाता है, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज प्रीवियस ईयर में 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। अब एक बात समझना, ये जो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन होने के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन जो होता है उसके लिए 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है वो 20% और मोर देन 10 लाख है 30%। अब एक चीज समझना, ये सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए आपको प्रीवियस ईयर में, एक तो पहली चीज तो वो रेजिडेंट होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसकी एज अगर 90 है तो भी वो सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन होने के लिए आपका रेजिडेंट होना सबसे जरूरी है। अब एक बात समझना, अगर मान लो प्रीवियस ईयर में आपका एज 60 या 80 हो जाता है तो आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन माने जाएंगे और आप हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहां पे एक चीज समझना, अगर किसी का बर्थडे है वो 1 अप्रैल 2019 को आ रहा है, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है 18-19 में 60 ईयर्स या 80 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन एक चीज समझना, अगर किसी का बर्थडे है वो 1 अप्रैल 2019 को आ रहा है और वो 60th बर्थडे या 80th बर्थडे है, वो 1 अप्रैल 2019 को सेलिब्रेट कर रहा है, तो भी ये माना जाएगा कि आपका 60 ईयर्स या 80 ईयर्स है वो लास्ट डे को कंप्लीट हो गया। जिस दिन अपन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसके पिछले दिन आपका पर्टिकुलर एज कंप्लीट हो जाता है, तो 60 ईयर्स और 80 ईयर्स है वो 31 मार्च 2019 को हो गया और आप 18-19 प्रीवियस ईयर के लिए जब टैक्स निकालोगे, मतलब असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए, आप हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ध्यान रखना ये कि अगर किसी का जो 60 बर्थडे है या 80th बर्थडे है वो अगर मान लो 1 अप्रैल 2019 को फॉल कर रहा है तो उसके पिछले दिन, दैट इज 31 मार्च 2019 को आपका 60 ईयर्स या 80 ईयर्स कंप्लीट हुआ माना जाएगा और आप हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो। अब एक बात समझना, इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के केस में आपको सरचार्ज भी लगेगा। अगर आपका इनकम, इनकम मतलब टोटल इनकम, टोटल इनकम मतलब नेट टैक्सेबल इनकम डिडक्शन वगैरह लेने के बाद, अगर वो 50 लाख से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज लगेगा 10% की रेट से, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 15% की रेट से। अब एक चीज समझना, कंपनी के लिए सर क्या टैक्स रेट लगेगा? तो कंपनी के लिए डोमेस्टिक कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी 40%। डोमेस्टिक कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी 40%। लेकिन एक चीज समझना, अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट प्रीवियस ईयर 16-17 का, प्रीवियस ईयर 16-17 का अप टू 250 करोड़ है तो इस साल आपको टैक्स है वो 25% की रेट से लगेगा। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में ध्यान रखना, नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो 30% है, लेकिन डोमेस्टिक कंपनी का जो टर्नओवर है वो प्रीवियस ईयर 16-17 का। एक बात बताओ, आप टैक्स कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हो? टैक्स निकाल रहे हो आप 18-19 के लिए, लेकिन 18-19 प्रीवियस ईयर के लिए आप टैक्स निकाल रहे हो, लेकिन टर्नओवर आपको देखना है 16-17 का। अगर 16-17 प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है तो वहां पे आपका टैक्स रेट रहेगा वो 25% रहेगा इस साल के लिए। अब एक चीज समझना, एक डाउट है जो बहुत ज्यादा कॉमन डाउट है कि सर उस साल वो कंपनी थी नहीं, अगर 16-17 प्रीवियस ईयर में वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो क्या उसको लोअर मतलब 25% टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा क्या? मींस वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो 17-18 प्रीवियस ईयर या 18-19 प्रीवियस ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई है तो सर क्या उसको लोअर रेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? अगर मैं लैंग्वेज को अगर रिजिडली इंटरप्रेट करूं तो नहीं मिलेगा।
इंस्टीट्यूट के साथ भी कंफर्म किया नहीं मिलेगा बेनिफिट करके, ठीक है। अगर कंपनी 16-17 प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए और उस साल में उसका अगर टर्नओवर है वो 250 करोड़ से कम था तो ही आपको 25% का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, सरचार्ज भी लगता है कंपनी के केस में। कंपनी के केस में सरचार्ज कैसे लगेगा? अगर टोटल इनकम है, टोटल इनकम मतलब नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7% और मोर देन 10 करोड़ है तो उस केस में 12%, फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड 5% की रेट से सरचार्ज लग जाएगा। उसके बाद बेटा पार्टनरशिप फर्म LLP एंड लोकल अथॉरिटी के लिए फ्लैट टैक्स रेट रहती है 30%, वहां पे भी सरचार्ज लगेगा। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से। कितना, कौन सी रेट से? 12% की रेट से सरचार्ज लग जाएगा। अब एक बात समझना, हर जगह जितने भी अपन ने केसेस देखे उसमें टैक्स में सरचार्ज जोड़ने के बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना है 4% की रेट से। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको 4% की रेट से जोड़ना है। लास्ट ईयर तक एजुकेशन सेस है वो 3% होता था, अब ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो तुम्हारा 4% की रेट से होता है। अब एक बात समझना, एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है पता है? कि बहुत बार क्या होता है कि अगर तुम्हारी इनकम 50 लाख रुपए से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है इंडिविजुअल HUF AOP BO आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में, या ऑल SSC के केस में 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, या कंपनी के केस में 10 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में क्या होता है, मेनी टाइम ऐसा होता है कि इनकम से ज्यादा तुम्हारा टैक्स बढ़ जाता है ड्यू टू द सरचार्ज। इनकम से ज्यादा तुम्हारा टैक्स बढ़ जाता है तो उसमें आपको मार्जिनल रिलीफ है वहां पे मिलता है। अब एक बात समझना, ये मार्जिनल रिलीफ आपको कब चेक करना है? जब इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में 50 लाख से अगर आपकी इनकम थोड़ी बहुत ज्यादा है, या फिर किसी भी SSC के केस में 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में 1 करोड़ पे सरचार्ज का रेट 15% हो जाता है, कंपनी पार्टनरशिप फर्म के केस में उसी टाइम सरचार्ज लगता है, और कंपनी के केस में अगर 10 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है तो भी आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। अब एक बात समझना, ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट में मार्जिनल रिलीफ आपको कैसे मिलेगी? तो सिंपल सी चीज है, पहले आप टैक्स निकाल दो, जो इनकम दे रखी है जैसे 1 करोड़ 1 लाख दे रखी है उस पर टैक्स निकाल दो, उसमें ऐड करो सरचार्ज, और सरचार्ज ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है वहां पे लिखो दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, वो अमाउंट रेस्ट्रिक्ट होगा किससे? टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ के ऊपर वाला जितना भी इनकम है वो गवर्नमेंट को दे दो। तो टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस NTI माइनस 1 करोड़, ऐसा करके, और जो भी अमाउंट आता है विच एवर इज लोअर आप कंटिन्यू कर लो, तो वहां ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट मिल जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ है वो मिल जाएगी। अगर 50 लाख से ज्यादा है थोड़ी बहुत तो आप कैसे करोगे? टैक्स ऑन 50 लाख, टैक्स ऑन 50 लाख रुपीज प्लस NTI माइनस 50 लाख, वैसा करके, और वहां पे आप अमाउंट निकालोगे विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू कर दोगे, जैसा मैंने बुक में पढ़ाया हुआ है और बुक में लिखा हुआ है, आप अगर एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब एक बात समझना, ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको मिलता है? ये रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, बाकी किसी को नहीं, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को, और वो भी तभी मिलेगा जब आपका नेट टैक्सेबल इनकम 350,000 से ज्यादा नहीं है। योर नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम मींस टोटल इनकम, जो टोटल इनकम होता है GTI के बाद, GTI में से डिडक्शन लेने के बाद जो NTI है, वो NTI अगर 350,000 से ज्यादा नहीं है और रेजिडेंट इंडिविजुअल है देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितना मिलेगा? 2,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर। एक और चीज समझना, इसमें कोई भी इनकम हो, सपोज आपकी विनिंग की इनकम है, आई हैव ओनली विनिंग इनकम ऑफ रुपीज 3 लाख, बाकी कोई इनकम है ही नहीं, सिर्फ 3 लाख है वो विनिंग का इनकम है, क्या उसके सामने भी मुझे ये रिबेट मिलेगा? यानी आंसर इज यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 लाख का विनिंग का इनकम है, उस पर 30% टैक्स जाता है, बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता, सीधा 90,000 टैक्स आएगा, और वो 90,000 जो टैक्स आएगा उसमें से आप 2,500 रुपए का, 2,500 का आप रिबेट है वो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक चीज समझना, ये रिबेट आपको 112A के LTCG के टैक्स के सामने नहीं मिलेगा, एक वहां पे ये चीज लिखी हुई है, जब अपन आगे अभी रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ में चीजें आ जाएगी। तो देखो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको मिलेगा? ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A है, ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा जिसका NTI कितना होना चाहिए, टोटल इनकम कितना होना चाहिए, अप टू 3,50,000 तभी मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा? 2,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर। एक और चीज समझना, ये रिबेट आप एजुकेशन सेट जोड़ने से पहले लोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो जोड़ने से पहले आप ये रिबेट लोगे, और उसके बाद में आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आप ऐड करोगे। अब एक चीज समझना, जो भी तुम्हारा टोटल इनकम होता है, टोटल इनकम मतलब GTI में डिडक्शन लेने के बाद टोटल इनकम NTI, वो जो होता है वो आप नियरेस्ट रुपीज 10 में राउंड ऑफ करोगे, एज वेल एज द आपका जो टैक्स अमाउंट आता है वो टैक्स अमाउंट भी आप नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करोगे, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 है तो ऊपर वाले 10 में जाओगे, और अगर 4, 3, 2, 1 है तो आप नीचे वाले 10 में आके आप राउंड ऑफ करोगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस। उसके
बाद मैंने वही दे रखा है कि आपका अगर वो बर्थडे आ रहा है वो 1 अप्रैल 2019 को आ रहा है तो उस केस में 31 मार्च 2019 को आपका पर्टिकुलर एज कंप्लीट हुआ माना जाएगा. यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यस यस पीपल. सो नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द कैपिटल गेन. एक और चीज बता दूं, ये रिविजन लेक्चर है, ये फास्ट ट्रैक बैच नहीं है. ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच अलग होता है जिसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है. ये रिविजन लेक्चर है जो यूट्यूब पे आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे. सब रिविजन लेक्चर जितने भी टॉपिक है, ऑलमोस्ट 80-90% टॉपिक्स के लिए आपको रिविजन लेक्चर है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कैपिटल गेन एंड टैक्सेशन ऑफ द गिफ्ट. अब एक बात समझना, कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1. वो ये बोलती है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस. मतलब सबसे पहली चीज कैपिटल असेट होनी चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए और वो कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपका ट्रांसफर होता है. तो ट्रांसफर वाला ईयर है वो टैक्स वाला ईयर माना जाएगा. जैसे मैंने आपको आज प्रॉपर्टी बेची लेकिन आपने बोला कि सर मैं पैसा 2 साल बाद दे दूंगा, लेकिन मैंने ट्रांसफर आज कर दिया, भले आप कंसिडरेशन 2 साल के बाद दोगे तो भी मुझे टैक्स है वो इसी साल लग जाएगा. जिस ईयर में आप ट्रांसफर करोगे उस ईयर में आपको टैक्स लग जाएगा. अब क्वेश्चन ये आता है सर कैपिटल असेट का डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल असेट. सो कैपिटल असेट को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में. और 2 क्लॉज 14 क्या बोलती है समझने की कोशिश करना. सेक्शन 2 क्लॉज 14 ये बोलती है कि एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी. कैपिटल असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मीन्स मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट. मतलब वो कैपिटल असेट आपके बिजनेस से कनेक्ट है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें मैं बिजनेस करता हूं वो भी कैपिटल असेट है, कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें मैं खुद रहता हूं वो भी कैपिटल असेट है. Held by SSC, whether it is connected with business or not, वो तुम्हारी capital asset है. लेकिन एक और चीज समझना, जो FIIs रहती है, जो foreign institutional investor है, उनके पास कोई भी security है, वो always treated as the capital asset, वो हमेशा capital asset मानी जाएगी. तो जो भी foreign institutional investor है, वो इंडिया में अगर security held करते हैं, वो उनके लिए capital asset मानी जाएगी. तो देखो, दो चीजें. पहला पॉइंट ये बोलता है कि any property held by the SSC, whether it is movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with business or not, और FII जो security held करती है, that is the capital asset. लेकिन एक चीज समझना, capital asset के definition से चार चीजों को एक्सक्लूड कर रखा है. चार चीजें ऐसी है जो कैपिटल असेट नहीं मानी जाएगी. सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल असेट. लॉजिकल है क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को जब आप बेचते हो तो ऑलरेडी पीजीबीपी हेड में इनकम है, वो टैक्सेबल हो जाती है. दूसरा मूवेबल पर्सनल असेट. मूवेबल पर्सनल असेट का मतलब होता है ऐसी असेट जो एसएससी या एसएससी के डिपेंडेंट फैमिली मेंबर अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवेबल पर्सनल असेट. और अगर मूवेबल पर्सनल असेट है वो तुम्हारी कैपिटल असेट नहीं मानी जाएगी, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा. तो आप कार बेचो, बाइक बेचो, घर का फर्नीचर बेचो, वो ट्रांसफर नहीं, वो कैपिटल असेट नहीं मानी जाएगी, उस पर आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा. लेकिन एक बात समझना, इसमें एक्सेप्शन है 6 असेट. कौन कौन सी? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट. क्या बोला? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट. ये एसेट ऐसी है जो मूवेबल पर्सनल असेट है, लेकिन इनको बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन लगेगा. तो देखो, नॉर्मली मूवेबल पर्सनल असेट को बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट को बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन है वो आपको लगेगा. अब एक बात समझना, आपका घर है वो भी पर्सनल असेट है, लेकिन क्या उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस. घर को बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा क्योंकि वो इमूवेबल है और यहां एक्सेप्शन में डाला हुआ है सिर्फ मूवेबल पर्सनल असेट. उसके बाद जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उसको ट्रांसफर करो, कैपिटल गेन नहीं लगता. अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया है उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल गेन नहीं लगेगा. बट क्वेश्चन ही आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल एग्रीकल्चर लैंड? सो आई कैन से दैट रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया. Now question is that what do you mean by rural area? Rural area is area which is not a urban area. But question is that what do you mean by the urban area? Urban area is area which is not a rural area. ऐसा नहीं लिख सकते. तो देखो, मैंने बोला rural agriculture land है वो capital asset नहीं मानी जाती, उस पर capital gain नहीं लगेगा. लेकिन rural area होता क्या है उसको कहीं पे भी define नहीं किया हुआ. Normally law में define किया हुआ है urban area को. तो urban area को ये लोग define करते हैं और बोलते हैं कि urban area means municipality या cantonment board का ऐसा area जहां का population 10,000 और more है. Municipality और cantonment board का ऐसा area, ऐसा म्युनिसिपैलिटी एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, प्रीवियस ईयर से पहले जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से 10,000 और मोर है, वो तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा. अगर पॉपुलेशन मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख है तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा. इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख है तो बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया है वो भी तुम्हारा अर्बन हो जाएगा. और पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? अर्बन. तो अगर अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा. उसके बाद तुम्हारा जो गोल्ड बॉन्ड 1999 है, एज वेल एज द डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 है वो कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा. उसको बेचने पे आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा. एक और चीज समझना, ये गोल्ड बॉन्ड 1999 जो है और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 है, इस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1015. और अंडर सेक्शन 1015 में उसको भी क्या किया हुआ है? एग्जेम्प्ट. यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यस. चलो,
नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर. सर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर मतलब सेल. आप अगर कोई भी असेट सेल करते हो, एक्सचेंज करते हो, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, और इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ इन द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसी को पोजेशन हैंडओवर कर देते हो तो वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाएगा. और इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अगर सोसाइटी के आपके पास शेयर सर्टिफिकेट, जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं वहां पे वो बिल्डिंग है, वो सोसाइटी के नाम पे और उस सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट मेरे नाम पे है, तो अगर मैं किसी को शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर देता हूं पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू वगैरह, तो भी वो उस बिल्डिंग का ट्रांसफर माना जाएगा और उस केस में मुझे कैपिटल गेन है वो लग जाएगा. तो ट्रांसफर में क्या क्या आएगा? देखो, ट्रांसफर में सेल आएगा, एक्सचेंज आएगा, रेलिंक्विशमेंट आएगा, एक्सटिंग्विशमेंट आएगा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, और इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ पोजेशन इज हैंडेड ओवर इट इज ट्रीटेड एज द ट्रांसफर, एंड इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इफ योर शेयर सर्टिफिकेट इज ट्रांसफर इट इज ट्रीटेड एज द ट्रांसफर. उसके बाद में कैपिटल असेट दो टाइप की होती है. मैं बता दूं कैपिटल असेट दो टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को कैसे बाइफर्केट करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ पीरियड ऑफ होल्डिंग दे रखा है, समझने की कोशिश करना. सबसे पहले अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है, क्या है? लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स को छोड़ के लिस्टेड सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. अगर कोई सिक्योरिटी है यूनिट्स को छोड़ के लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूटीआई का यूनिट्स है या फिर म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है या जीरो कूपन बॉन्ड्स है, वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो वन ईयर का देखा जाएगा. कहां कहां पे? सिक्योरिटी सबसे पहला, अदर देन यूनिट, लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है उसके केस में करके, ठीक है, अदर देन यूनिट. दूसरा, यूटीआई का कोई यूनिट्स है, लिस्टेड अनलिस्टेड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज वेल एज द जीरो कूपन बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, वहां पर लिस्टेड अनलिस्टेड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इनके केस में वन ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा. अगर आपके पास वन ईयर तक का होल्डिंग है तो शॉर्ट टर्म होगा, वन ईयर से ज्यादा का होल्डिंग है तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. अब एक और चीज समझना, अगर कोई कंपनी के शेयर्स है बट शेयर्स में ये लिस्टेड जो सिक्योरिटी में कवर हो गया, जो पहले पॉइंट में यहां पे जो कवर हुआ लिस्टेड सिक्योरिटी में, ठीक है, पहले पॉइंट में जो कवर हो गया लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, उसको छोड़ के किसी भी कंपनी के शेयर्स एज वेल एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके केस में टू ईयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा, एंड एनी अदर असेट के केस में आपको थ्री ईयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा. अब एक बात समझना, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए सेक्शन है 48, और सेक्शन 48 ये बोलती है कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के सबसे पहले ले लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस करो ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन. अब एक चीज समझना, अगर मान लो आपने कोई लैंड है जो पहले खरीदी हुई है और लैंड लॉन्ग टर्म थी, ठीक है, मैंने एक प्लॉट खरीदा था, मैंने लास्ट ईयर ही उस पर बिल्डिंग बनाई और अब मैंने एक साथ में उसको बेच दिया, अब बिल्डिंग लास्ट ईयर ही बनाई है लेकिन लैंड मैंने पहले से खरीदी हुई है, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या करूं मैं, बिल्डिंग को इंप्रूवमेंट मान के कैपिटल गेन कैलकुलेट करूं या बिल्डिंग और लैंड को अलग अलग करके और बाइफरकेट करके मैं कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करूं? आंसर इज आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, आपको सेपरेट करना पड़ेगा. लैंड पे कैपिटल गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म होगा और बिल्डिंग पे कैपिटल गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म होगा, तो लैंड पे अलग कैपिटल गेन कैलकुलेट करो, बिल्डिंग पे अलग कैपिटल गेन कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा एज पर द केस लॉ ऑफ द एल्स थिएटर. उसके बाद एक बात समझना, सेक्शन 48 बोलती है सिंपल सी बात, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करो, आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा. लेकिन इसके बहुत सारे प्रोवाइजो है, वो प्रोवाइजो अपन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला प्रोवाइजो जो है दैट इज रिलेटेड टू द सनी वाला, आपको याद रहेगा नॉन रेजिडेंट वाला अपन ने एक प्रोवाइजो पढ़ा था करके, ठीक है, वो फर्स्ट प्रोवाइजो से पहले मैं पहले आपको सेकंड प्रोवाइजो बता देता हूं. सेकंड प्रोवाइजो बोलता है, इंडेक्सेशन की बात करता है कि अगर आपकी कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों पे इंडेक्स करने को मिलेगा. अगर आपकी कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों पे आपको इंडेक्स करने को मिलेगा. एक और चीज समझना, इंप्रूवमेंट हुए दो तीन साल से ज्यादा नहीं हुए, लास्ट ईयर ही इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है तो क्या इंप्रूवमेंट पे भी इंडेक्सेशन मिलेगा? यानी आंसर इज यस. अगर कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा. सर इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ले लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, और इंप्रूवमेंट के केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. अब एक और चीज समझना, अगर कोई असेट है वो 1/4/2001 से पहले खरीदी हुई है, बिकॉज इंडेक्स नंबर है वो 1/2 से आपको मिलेगा और 1/2 का इंडेक्स नंबर 100 है और आपके एग्जाम के लिए जो प्रीवियस 18-19 है उसके लिए इंडेक्स नंबर जो है दैट इज द 280. अब एक चीज समझना, 1/4/2001 से पहले कोई असेट एक्वायर की थी तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो या तो आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो या एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर है वो लेने का आपको बेनिफिट है, वो मिल जाएगा. अब एक और चीज समझना,
कि अगर इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले करवाया हुआ है तो उसको इग्नोर कर दो, 1/4/2001 से पहले वाले इंप्रूवमेंट को आपको कंसिडर नहीं करना है। सर क्यों कंसिडर नहीं करना? क्योंकि 1/4/2001 से पहले का इंप्रूवमेंट है वो ऑलरेडी एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 के इफेक्ट में ऑलरेडी आ चुका होगा, तो उसको आप इग्नोर कर दो। उसके बाद में फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 क्या बोलता है? फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, ये प्रोविजो तभी लगेगा अगर कोई नॉन रेजिडेंट एसएससी है। लेकिन आपका क्वेश्चन ही आएगा, सर नॉन रेजिडेंट कौन से ईयर में होना चाहिए, परचेज के ईयर में या सेल के ईयर में? आंसर है सेल के ईयर में। अगर कोई एसएससी है वो नॉन रेजिडेंट है और वो उस एसएससी ने अगर इंडियन कंपनी के शेयर और डिबेंचर खरीदे थे, लिस्टेड अनलिस्टेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर शेयर और डिबेंचर है वो इंडियन कंपनी के खरीदे थे और वो फॉरेन करेंसी में खरीदे थे और उसको अगर वो ट्रांसफर करता है, तो उस केस में उसका कैपिटल गेन पहले कैलकुलेट करेंगे फॉरेन करेंसी में एंड आफ्टर दैट उसको रिकन्वर्ट कर देंगे इंडियन करेंसी में। क्या बोला? देखो इधर देखो सब लोग, सबसे पहले एसएससी कौन होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। उसके पास असेट कौन सी थी? इंडियन कंपनी के शेयर और डिबेंचर जो उसने फॉरेन करेंसी में खरीदे थे। तो जब आप वो सेल कर रहा है तो उस पे जो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा वो पहले फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होगा और उसके बाद उसको रिकन्वर्ट कर देंगे इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी में जो भी कैपिटल गेन आएगा उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगा वो आपको इंडियन करेंसी में दे रखा होगा, उसको कन्वर्ट कैसे करोगे फॉरेन करेंसी में? बाय अप्लाइंग एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब होता है टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर डिवाइड बाय 2, और TTBR TTSR आपको SBI का लेना है, तो TTBR plus TTSR divide by 2 वो आपको SBI का लेना है, और average rate on date of transfer की date की average rate से आप उसको foreign currency में convert कर दो। Transfer expenses को भी average rate on the date of transfer, और cost of acquisition को average rate on date of acquisition, और जो भी capital gain आएगा उसको आप convert कर दो वापस से इंडियन करेंसी में बाय अप्लाइंग टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर की रेट के टीटीबीआर लेके और उसको वापस से कन्वर्ट कर दो आप इंडियन करेंसी में, और इंडियन करेंसी में जो भी कैपिटल गेन आएगा उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स है वो भरना पड़ेगा। एक और चीज समझना, यहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले वो शेयर सिक्योरिटी जो है आपका शेयर और डिबेंचर जो है वो अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म है तो भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो यहां पे आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। मैं टेक्निकल वर्ड में यह बोलूं कि फर्स्ट प्रोविजो जहां लगता है वहां सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 दैट इज इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। थर्ड प्रोविजो इसी साल इन्होंने इंसर्ट किया, दिस इज द अमेंडमेंट पार्ट, और थर्ड प्रोविजो ये बोलता है कि अगर सेक्शन 112A लगती है, 112A अभी तक अपन ने पढ़ी नहीं है, आगे आएगी 112A, अगर सेक्शन 112A लगती है तो आपको बेटा फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो दोनों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर 112A सेक्शन लगती है तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो दोनों का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मींस फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो का बेनिफिट है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज द थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 48। उसके बाद फोर्थ प्रोविजो क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि आपको डिबेंचर एंड बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि डिबेंचर एंड बॉन्ड्स की कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। आपने अगर 5 साल पहले कोई डिबेंचर 100 रुपए में खरीदा था तो आज भी उसकी वैल्यू 100 110 होगी, ज्यादा है ज्यादा, ठीक है, कभी भी उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आता बिकॉज डिबेंचर एंड बॉन्ड्स इज लाइक अ लोन ओनली। तो डिबेंचर एंड बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा इसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, कि अगर कोई कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है, और दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई, ये दो उसके एक्सेप्शन है। वन इज द कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई। ये दो बॉन्ड्स ऐसे हैं जहां आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब एक और चीज समझना, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई ना, इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल है और उसके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई उसने लिया करके, ठीक है, और वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन होता है तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा ड्यू टू सेक्शन 47। और सेक्शन 47 में ये लिखा हुआ है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो किसी इंडिविजुअल के पास है और उसका रिडेम्पशन होता है, रिडेम्पशन अगर रिडेम्पशन होता है तो उस केस में मैच्योरिटी पे जब रिडेम्पशन होता है तो उस केस में वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो आप कैसे ध्यान रखोगे, अगर किसी भी पर्सन के पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, किसी इंडिविजुअल के पास है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसका मैच्योरिटी होता है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। लेकिन अगर वो मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में वो ट्रांसफर माना जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। और अगर इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी कोई भी एसएससी है और वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का भले रिडेम्पशन होता है या ट्रांसफर होता है, दोनों केस में कैपिटल गेन लगेगा और उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। मैं बताऊं, वो सेक्शन 47 में जो एग्जेम्प्शन दे रखी है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन होता है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो सिर्फ इंडिविजुअल के केस में है। उसके बाद तुम्हारा फिफ्थ प्रोविजो टू सेक्शन 48 है, वो क्या बोलता है? फिफ्थ प्रोविजो ये बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट के पास में अगर कोई रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, नॉन रेजिडेंट के पास में रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का अगर रिडेम्पशन हो जाता है,
वो नॉन रेजिडेंट ने वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से या तो परचेज किया था या सब्सक्राइब किया था, मतलब वो सबसिक्वेंट ओनर है तो भी चलेगा, लेकिन अगर उसका रिडेम्पशन होता है और रिडेम्पशन के टाइम पे अगर उसको इंडियन रुपी एप्रिशिएशन की वजह से कोई गेन आ जाता है, देखो नॉर्मली इंडियन रुपीज कभी एप्रिशिएट होता नहीं है, लेकिन ये प्रोविजो ये बोलता है कि नॉन रेजिडेंट के पास अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स था और वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का रिडेम्पशन हो रहा है और रिडेम्पशन के टाइम पे रुपी एप्रिशिएशन की वजह से अगर कोई गेन आ जाता है तो उस गेन को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, मतलब उस गेन पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो देखो अगर रुपी एप्रिशिएट हो जाता है तो रुपी एप्रिशिएशन की वजह से क्या होगा, उसको गेन आएगा और उस गेन पे टैक्स नहीं लगेगा। मींस आई कैन से दैट गेन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो देखो क्या बोला कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट जो है उसके पास रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स था, उसका रिडेम्पशन होता है, रिडेम्पशन यहां सिर्फ रिडेम्पशन के टाइम पे, सेल के टाइम पे नहीं, रिडेम्पशन होता है और रिडेम्पशन के टाइम पे अगर रुपी एप्रिसिएशन की वजह से उसको कोई गेन आता है तो उस गेन को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा, मतलब उस पर कैपिटल गेन जो भी आएगा गेन और रुपी एप्रिसिएशन की वजह से जो गेन आता है उसको आप इग्नोर कर दो, लेकिन रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से अगर कुछ लॉस आया तो उसको कंसिडर करेंगे और उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी आप करोगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजो इज द सिक्स्थ प्रोविजो। अब आपकी कॉम्पैक्ट में मैंने ये दे रखा है कि सिक्स्थ प्रोविजो है दैट वी विल बी डिस्कस विद सेक्शन 47 के साथ में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको बता दूं। देखो आप अपन जब 47 पढ़ेंगे वहां पे अपन ये पढ़ेंगे कि अगर आप कैपिटल असेट है किसी को गिफ्ट कर देते हो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। पता है गिफ्ट में कैपिटल गेन नहीं लगता, अगर कोई कैपिटल असेट किसी को गिफ्ट कर दी तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपको कोई ईसॉप मिला था, अगर आपको कोई ईसॉप मिला था तो वो ईसॉप वाले शेयर्स अगर आप किसी को गिफ्ट कर देते हो तो भी कैपिटल गेन लगेगा। अगर ईसॉप मिला था आपको और वो ईसॉप वाले शेयर किसी को अगर आप गिफ्ट कर देते हो तो कैपिटल गेन लगेगा और वहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा पता है, गिफ्ट की डेट पे जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। ये तुम्हारे इस सेवेंथ प्रोविजो में लिखा हुआ है कि जिस दिन आप गिफ्ट करोगे, ईसॉप वाले शेयर किसी को गिफ्ट किया तो भी कैपिटल गेन लगेगा और गिफ्ट की डेट पे जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ये तुम्हारे सेवेंथ प्रोविजो में बोला हुआ, सॉरी सिक्स्थ प्रोविजो में बोला हुआ है। सेवेंथ प्रोविजो टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि बेटा इन केस ऑफ द कैपिटल असेट, जो शेयर सिक्योरिटी वगैरह कैपिटल असेट होती है उसमें ध्यान रखना आपको एसटीटी अलाउ नहीं होता है, एसटीटी इज नॉट अलाउड इन द अंडर द हेड कैपिटल गेन। इफ एसटीटी पेड एट द टाइम ऑफ द सेल आपका वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा और एसटीटी पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इट वोंट बी कंसिडर एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब एसटीटी अगर सेल के टाइम पे किया तो वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा और एसटीटी अगर आपने परचेज के टाइम पे किया तो वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 55 और सेक्शन 55 बोलती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। एक बात बताओ कौन सी असेट के केस में क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स में उन्होंने कुछ नाम दे रखे हैं। सबसे पहला गुडविल ऑफ बिजनेस बट नॉट प्रोफेशन, प्रोफेशन आज भी यहां पे कवर नहीं है। अगर आप प्रोफेशन का गुडविल बेचोगे तो आज भी आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा ड्यू टू द केस लॉ ऑफ द श्रीनिवास शेट्टी करके, ठीक है। श्रीनिवास शेट्टी जो केस लॉ था, बीसी श्रीनिवास शेट्टी, उसकी वजह से प्रोफेशन की गुडविल आज भी बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन गुडविल ऑफ बिजनेस को कवर करके दिया इन्होंने। देखो क्या बोला, इंटेंजिबल असेट्स में जो गुडविल ऑफ बिजनेस है उसके बाद में तुम्हारा ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, पेटेंट कॉपीराइट है या फिर राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन है, लूमार से टेनेंसी राइट है एंड तुम्हारा रूट परमिट है। इनके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको क्या लेने का पता है, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो आपको निल लेने का और अगर आपने परचेज किया हुआ है तो परचेज प्राइस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। एक और चीज समझना, इन असेट्स के केस में आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले वो परचेज की हुई है सेल्फ जनरेटेड है, एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इन असेट्स की कॉस्ट हम नहीं निकाल सकते करके, ठीक है। तो एफएमवी कैसे निकालेंगे, तो इसमें एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो जो इंटेंजिबल असेट है और इंटेंजिबल असेट्स में यहां कौन कौन सी असेट है, सबसे पहला गुडविल ऑफ बिजनेस नॉट प्रोफेशन, उसके बाद में तुम्हारा ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग्स, इसका मतलब होता है पेटेंट कॉपीराइट, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लूमार्क्स एंड रूट परमिट। इनके केस में सेल्फ जनरेटेड है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल लेने का, लेकिन अगर आपने परचेज किया हुआ है तो परचेज प्राइस तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हो जाएगा। उसके बाद में बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का, देखो बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी सिंपल सी बात है, बोनस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका निल होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बोनस अगर 1/4/2001 से पहले मिला हुआ है, बोनस अगर 1/4/2001 से पहले मिला हुआ है तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है वो उसका कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि जो असेट 1/4/2001 से पहले वाली है उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का और ऑब्वियसली कॉस्ट तो निल है और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 ज्यादा ही रहेगा, तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। राइट शेयर के केस में कॉस्ट क्या होता है, देखो अगर मेरे को कंपनी ने राइट ऑफर किए, मेरे को कंपनी ने राइट ऑफर किया, मैं कंपनी से राइट शेयर ले लेता हूं, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, अमाउंट पेड टू द कंपनी। लेकिन मान लो मेरे को राइट शेयर नहीं चाहिए, मैंने मेरा राइट किसी को दे दिया,
मैंने किसी को राइट दे दिया, राइट का रिनाउंसमेंट कर दिया, वो ट्रांसफर माना जाएगा? बिकॉज इट इज कॉल्ड रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट. आप किसी को राइट किसी के फेवर में रिनाउंस कर देते हो, ये भी ट्रांसफर माना जाता है. इट इज ट्रीटेड एज रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट और वहां कैपिटल गेन लगेगा. देखो मैंने क्या किया, मेरे को राइट शेयर कंपनी ने ऑफर किया था, मैंने राइट आपको दे दिया, आपको बेच दिया, रिनाउंस कर दिया. और मान लो 500 शेयर का राइट था, मैंने 10 रुपया पर शेयर पर राइट के हिसाब से आपको दे दिया, तो आपने मुझे जो 5000 राइट का दिया उस पे मेरे को कैपिटल गेन लगेगा. तो रिनाउंसमेंट के केस में मेरे हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? रिनाउंसमेंट प्राइस इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. और राइट मुझे मिला था, उसकी कोई कॉस्ट नहीं थी, तो कॉस्ट निल ले लेंगे और जो भी बचेगा वो मेरा कैपिटल गेन होगा राइट पे. अब एक बात समझना, वो कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. क्यों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पता है? क्योंकि जिस दिन कंपनी ने मुझे राइट ऑफर किया था और जिस दिन मैंने राइट आपको रिनाउंस कर दिया, उसके बीच में पीरियड ऑफ होल्डिंग है, वो कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता. कंपनी ने जो राइट ऑफर किया था और मैंने आपको रिनाउंस किया, उसके बीच में पीरियड ऑफ होल्डिंग कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता. मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राइट की बात कर रहा हूं. और राइट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑब्वियसली 3 साल का देखेंगे. तो राइट जो कंपनी ने मुझे दिया था, मैंने आपको रिनाउंस किया, उसके बीच में पीरियड कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता. तो यहां पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. लेकिन एक बात बताओ, आप जब कंपनी से शेयर खरीदने जाओगे तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? एक तो जितना कंपनी को पे किया वो, और दूसरा आपने मेरे से राइट खरीदा, वो राइट के लिए जो आपने मुझे पे किया था 10 रुपीज, वो उसमें जोड़ देंगे. सपोज कंपनी को आपने 40 रुपीज पे किया और मुझे 10 रुपीज पे किया, तो 50 रुपीज विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच शेयर. एक और चीज समझना, यहां पे शेयर्स के केस में, सिक्योरिटी के केस में हमेशा पीरियड ऑफ होल्डिंग अलॉटमेंट की डेट से चलेगा. मतलब जिस दिन आपको शेयर्स अलॉट होंगे वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग चलेगा करके, ठीक है? जैसे मान लो मैंने आपको राइट आज दिया, आज आपने मुझे 10 रुपया दिया, थोड़े टाइम 4 महीने बाद आपको कंपनी ने शेयर अलॉट किए, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग पूरे 50 पे, 10 आपने मुझे दिया था, 40 आपने कंपनी को दिया था, पूरे 50 पे जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो कब से चालू होगा पता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर. जिस दिन आपको अलॉट हो जाएंगे शेयर, वहां से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो चलेगा. अब एक बात समझना, जितने भी तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी वगैरह, पहले मैंने बोला एओपी बीओआई हुआ करते थे, अब क्या बन गए? कंपनी. पहले ये एओपी बीओआई हुआ करते थे, बट अब इसको कंपनी बन गए. अब एक बात समझना, जो एओपी बीओआई हुआ करते थे तो उसमें मेंबर होते थे, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, निर्मल जैन है इंडिया इंफोलाइन वाला, एज वेल एज द आनंद राठी वगैरह, जितने भी शेयर ब्रोकर है वो पहले उसमें मेंबर थे और अब वो क्या बन गए? शेयर होल्डर. तो जब मेंबर बनते थे तो उनको एक मेंबरशिप कार्ड खरीदना पड़ता था, और सपोज मेंबरशिप कार्ड का कॉस्ट था 5 करोड़. सो 5 करोड़ पेड करके और मोतीलाल ओसवाल इसका मेंबर बना था सपोज. अब मोतीलाल ओसवाल को क्या हुआ, उस मेंबरशिप कार्ड की जगह कंपनी के शेयर मिल गए, क्योंकि बीएससी लिमिटेड बन गई तो शेयर मिल गए. अब क्वेश्चन ये आता है वो शेयर का कॉस्ट क्या होगा, तो मैं बोलूं शेयर का कॉस्ट वही होगा जो मेंबरशिप कार्ड का कॉस्ट था. लेकिन इनको ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट है वो भी फ्री में मिला. अब ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट का कॉस्ट क्या होगा, तो मैं बताऊं ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट का कॉस्ट है वो निल लिया जाएगा. तो मेंबरशिप कार्ड के बदले एक तो शेयर्स मिलता है, शेयर्स का कॉस्ट वही लेंगे जो मेंबरशिप कार्ड का कॉस्ट था, और ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट का कॉस्ट है वो अपन निल ले लेंगे. उसके बाद में यहां पे भी एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. इसको छोड़ के बाकी जितनी भी असेट्स है उनके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, जितना आपने खर्चा किया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. बट अगर 1/4/2001 से पहले वाला है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि जो भी कॉस्ट आपने इंकर किया था या एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 इस हायर वाला बेनिफिट आप ले सकते हो. देखो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो जितना आपने इंप्रूवमेंट के लिए खर्चा किया वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है. लेकिन एक चीज समझना, 3 असेट ऐसी है जिसके केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा निल लेने का. पहला तो गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है, दूसरा पेटेंट एंड कॉपीराइट, और तीसरा तुम्हारा राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन. इनके केस में आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ दे रखा है तो भी आपको निल लेने का, ऑलवेज निल. और बाकी असेट के केस में 1/4/2001 के बाद जो आपने इंप्रूवमेंट करवाया वो आपको कंसिडर करना है, 1/4/2001 से पहले का इंप्रूवमेंट है वो आपको इग्नोर करना है. नेक्स्ट सेक्शन इज 49.5 is related to the IDS 2016. आपको पता रहेगा इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आई थी, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016. उसमें क्या होता था कि 1 जून 2016 को आप 1 जून 2016 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक 4 महीने के लिए स्कीम थी. इसमें अगर आपने ब्लैक मनी से कोई असेट एक्वायर किया है तो उसको भी आप डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन डिस्क्लोज करोगे तो उस पर आपको 45% टैक्स भरना पड़ेगा, और 45% टैक्स कौन सी डेट की वैल्यू पे भरना पड़ेगा पता है? 1 जून 2016 की वैल्यू, जो 1 जून 2016 पे जो वैल्यू थी उस असेट की, उस पर आपको 45% टैक्स भरना पड़ेगा. अब एक बात समझना, मैंने कोई फ्लैट खरीदा था 5 साल पहले 2 करोड़ में, मैंने डर लगने लग गया ब्लैक मनी से, पहले मैंने खरीदा था और ब्लैक मनी से जब मैंने खरीदा था मुझे डर लगने लग गया मोदी जी आने के बाद, तो मैंने क्या किया, वो फ्लैट को आईडीएस में डिक्लेयर कर दिया. जो आईडीएस है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, उसमें मैंने उस फ्लैट को डिक्लेयर कर दिया, और मान लो उसकी एफएमवी थी 5 करोड़, 1 जून 2016 की 5 करोड़ थी, 5 करोड़ पे मैंने टैक्स भर दिया. मैंने खरीदा कितने में था, 2 करोड़ में,
एफएमवी जब थी वो 5 करोड़ थी, मैंने 5 करोड़ पे टैक्स भर दिया, तो एक बात बताओ उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 करोड़ ली जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी असेट है वो असेट अगर आप इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में डिस्क्लोज कर देते हो और एफएमवी एज ऑन 1 जून 2016 पे आप टैक्स भर देते हो, तो जिस वैल्यू पे आपने टैक्स भरा है, जिस वैल्यू पे मतलब 1 जून 2016 को जिस एफएमवी पे आपने टैक्स भरा है, वो एफएमवी तुम्हारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, जो एफएमवी है वही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। अब एक बात समझना, पीरियड ऑफ होल्डिंग उस असेट का कहां से लेंगे, जब 1 जून 2016 पे जो एफएमवी थी उस पे आपने टैक्स भरा और वो एफएमवी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी 1 जून 2016 से ही लेंगे। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी और उसकी रजिस्ट्री आपने करवाई थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसकी रजिस्ट्री करवाई थी, दैट इज एविडेंस बाय द रजिस्टर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट, आपने उसकी रजिस्ट्री करवाई थी, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो एफएमवी एज ऑन 1 जून 2016 लेंगे, लेकिन बेटा आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग जब आपने एक्वायर किया तब से लेंगे। जैसे मान लो मैंने एक फ्लैट है वो 5 साल पहले एक्वायर किया था, अभी मैंने आईडीएस में उसको बता दिया 5 करोड़ पे टैक्स भर दिया, वो फ्लैट अगर मैंने रजिस्टर्ड करवाया था तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 5 साल पहले से लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 5 साल पहले से लेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 1 जून 2016 की फेयर मार्केट वैल्यू है वो ले लेंगे। अब आप एक बात बोलोगे मुझे कि सर पीरियड ऑफ होल्डिंग रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में ये पीछे से दे रहे हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो क्या इंडेक्सेशन भी पीछे से देंगे? आंसर इज नो। सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है कि वो हम पीरियड ऑफ होल्डिंग वो रजिस्ट्रेशन के केस में अगर रजिस्टर्ड था तो परचेज की डेट से पीरियड ऑफ होल्डिंग दे रहे हैं, वो पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड करने के लिए दे रहे हैं, इंडेक्सेशन तो आपको हमेशा 1 जून 2016 से ही मिलेगा, मींस इंडेक्स बेनिफिट विल बी अवेलेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 16-17 ओनली। यू गॉट माय पॉइंट ऑर नॉट? अरे बोलो यस और नो। यस डन पीपल। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू सेक्शन 45(1). एक बात बताओ, 45(1) में अपन ने क्या सीखा था कि जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसी ईयर में टैक्स लगेगा, लेकिन एक बात समझना इसके 4 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है? 4। सबसे पहला एक्सेप्शन है, दैट इज द 45(2). 45(2) ये बोलता है कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड होता तो उस केस में आपका ट्रांसफर उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ, लेकिन टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपका स्टॉक सोल्ड होता है। अब एक बात बताओ, इसके केस में जिस ईयर में स्टॉक सोल्ड हुआ उस ईयर में टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्स कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा, दैट इज एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन। जो कन्वर्जन की डेट पे एफएमवी है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो अपन नॉर्मली जो कैपिटल असेट का था वो ले लेंगे, वो कैपिटल गेन में जाएगा। और पीजीबीपी की इनकम आप कैसे निकालोगे? सेल प्राइस ऑफ स्टॉक माइनस एफएमवी जो था एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन वो कॉस्ट बन जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ द पीजीबीपी, और आपका पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा। एक चीज समझना, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड के केस में आपका पीजीबीपी एज वेल एज कैपिटल गेन दोनों टैक्स उस ईयर में लगेंगे जिस ईयर में आप स्टॉक को सोल्ड करोगे। अब एक और चीज समझना, अगर आपका स्टॉक प्रोपोर्शनेटली बिकता है तो कैपिटल गेन भी आपको प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल करना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी टैक्सेबल होगा, जैसा अपने कंपाइलर में क्वेश्चन लिया हुआ है प्रीति का, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ऐसा किया हुआ है कि प्रोपोर्शनलिटी कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल किया है, जिसमें टोटल आपको याद रहेगा 20 फ्लैट होते हैं और 20 में से वो 15 फ्लैट बेच देती है और उसके बाद 5 फ्लैट क्लोजिंग स्टॉक में रहते हैं, तो 15 का प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन है वो ही हम टैक्सेबल करेंगे। अब एक और चीज समझना, आपको पता रहेगा जो 54EC जो सेक्शन होती है वहां पे क्या होता है कि NHI RECL के बॉन्ड आपको 6 महीने के अंदर अंदर खरीदने पड़ते हैं, और वो 6 महीने कहां से काउंट होते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो वो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का क्वेश्चन है तो वहां पे वो 6 मंथ जो काउंट होंगे वो ट्रांसफर की डेट से नहीं होंगे, क्योंकि ट्रांसफर की डेट तो ऑलरेडी कन्वर्जन की डेट होती है, लेकिन वो 6 महीने जो काउंट होंगे वो आपके स्टॉक की सोल्ड की डेट से होंगे, ऐसा एक सीबीडीटी का सर्कुलर है। अब एक बात समझना, दिस इज द अमेंडमेंट। सर कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होती है तो वो तो ऑलरेडी पहले से दे रखा है, लेकिन अगर स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट में कन्वर्ट हो जाता तो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मेरा पहले ट्रेडिंग पोर्टफोलियो था जो स्टॉक इन ट्रेड था, अब मैं उसको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर लेता हूं, मतलब जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो था उसको मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर दिया तो वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें क्या होगा? तो ध्यान रखना, जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो उसी ईयर में आपका जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वो तुम्हारे पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, जब स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया तो बेटा स्टॉक इन ट्रेड को जो कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो जिस दिन कन्वर्ट करते हो कैपिटल असेट में उस दिन जो एफएमवी है वो तुम्हारा पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा ड्यू टू सेक्शन 28। कैपिटल गेन हेड के लिए जिस दिन कन्वर्जन किया उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वही कैपिटल गेन टॉपिक के लिए क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपका कन्वर्जन की डेट से लेंगे। यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपको कन्वर्जन की डेट है उससे लेना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो चलो बेटा, तो ये सेक्शन है और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है, वो क्वेश्चन आप लोगों ने एक बार देखा होगा और नहीं देखा है तो एक बार और देख लेना। एक बात बताओ, इधर देखो,
अपन ने पहले 45.2 पढ़ा, 45.2 क्या बोलता था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो और फिर स्टॉक बेचते हो तो कैपिटल गेन एज वेल एज पीजीबीपी दोनों पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप स्टॉक को सोल्ड करोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब आप स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया उसी ईयर में पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा, लेकिन जिस ईयर में आप कैपिटल असेट फिर बेचोगे तो उस ईयर में आपको कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। मतलब यहां पे दोनों पे टैक्स अलग अलग ईयर में लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो सेक्शन 45.2 ऑलरेडी पहले से लॉ में है वो ये बोलती है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड के केस में आपका कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप स्टॉक होल्ड करोगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। ये लाल कलर में एक जो रेड कलर का नोट दे रखा है वो आप एक बार देख लेना। 45.5 इज अ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। अब एक बात समझना, नॉर्मली कैपिटल गेन उस ईयर में लगता है जिस ईयर में आपका ट्रांसफर होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट के केस में आपका ट्रांसफर तो उस ईयर में हो जाएगा जिस ईयर में गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर करेगी, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलेगा। अब एक बात समझना, कंपनसेशन दो तरह के होते हैं, एक इनिशियल एक एनहांस। इनिशियल कंपनसेशन जब मिला उस ईयर में इनिशियल कंपनसेशन पे टैक्स लग जाएगा, और एनहांस कंपनसेशन जब भी मिलेगा उस ईयर में एनहांस कंपनसेशन पे टैक्स लगेगा। अब एक बात समझना, जिस ईयर में आपको इनिशियल कंपनसेशन मिलेगा उस ईयर में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इनिशियल कंपनसेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेके और आप कैपिटल गेन का अमाउंट है वो आप निकाल दोगे। अब एक बात समझना, अगर आपको आगे जाके एनहांस कंपनसेशन मिलता है तो एनहांस कंपनसेशन जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में उस पर टैक्स लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? एनहांस कंपनसेशन। लेकिन क्या एनहांस कंपनसेशन से वापस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करोगे? आंसर इज नो, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले इनिशियल कंपनसेशन में आप लेस कर चुके हो। लेकिन ध्यान रखना, एनहांस कंपनसेशन से एक चीज लेस होती है, दैट इज द लीगल एक्सपेंसेस। जो लीगल चार्जेस है लिटिगेशन चार्जेस है वो एनहांस कंपनसेशन से आप लेस कर सकते हो। अब एक बात समझना, एनहांस कंपनसेशन पे लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल कंपनसेशन। जब ओरिजिनल या इनिशियल कंपनसेशन मिला था वहां पे लॉन्ग टर्म था तो एनहांस कंपनसेशन पे कैपिटल गेन है वो भी लॉन्ग टर्म आएगा। और एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दैट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ दैट एसेट। अगर वो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो दो साल तीन साल से ज्यादा था एसेट का, तो उस केस में आपके लॉन्ग टर्म होंगे, अदरवाइज आपका शॉर्ट टर्म होंगे। अब एक और चीज समझना, अगर कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है, समझने की कोशिश करता, अगर जो इनिशियल कंपनसेशन है जो पहले मिलता है पहली बार, वो इनिशियल कंपनसेशन जो है ओरिजिनल कंपनसेशन, अगर वो इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो टोटल इनिशियल कंपनसेशन जो है दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। जिस ईयर में आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिला उस ईयर में पूरा इनिशियल कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर एनहांस कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो इट विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो वैसे वैसे ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अगर आपको एनहांस कंपनसेशन कोई मिलता है वो कोर्ट के एंट्री ऑर्डर से मिलता है। इफ एनी एनहांस कंपनसेशन इज रिसीव ड्यू टू द एंट्री ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मिल्ड। जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर बनाया उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एनी एनहांस कंपनसेशन रिसीव ड्यू टू द एंट्री ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड। अब एक और चीज समझना, जब आपको लेट कंपनसेशन मिलता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, वो इंटरेस्ट आईएफओएस में जाएगा, और आईएफओएस में इंटरेस्ट है वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलता है। और वहां पे 57 में आपको 50% का डिडक्शन मिल जाएगा और सिर्फ 50% इंटरेस्ट है वो ही तुम्हारा टैक्सेबल होगा। अब एक और चीज समझना, एक एक्ट है दैट इज कॉल्ड RFCT LARR, दैट इज राइट टू फेयर कंपनसेशन, राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी एंड लैंड इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। उसकी एक सेक्शन होती है, दैट इज द सेक्शन नंबर 96। वहां पे क्या दे रखे हैं, कुछ ऐसे कंपलसरी एक्विजिशन के मोड दे रखे हैं कि जिस केस में आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट नहीं किया। तो यहां पे सीबीडीटी ने एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि अगर मान लो वो तुम्हारा जो राइट टू फेयर कंपनसेशन वाला एक्ट है उसकी 96 में जो दे रखा है तो उस केस में इनकम टैक्स नहीं लगेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, इनकम टैक्स में ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन जब एक्ट में बोला हुआ है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम इनकम टैक्स में भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज 45(1A). 45(1A) ये बोलती है कि डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ कैपिटल असेट। अब एक बात समझना, नॉर्मली डिस्ट्रक्शन या डैमेज के केस में कैपिटल गेन नहीं लगता क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। डिस्ट्रक्शन है वो ट्रांसफर नहीं माना जाता क्योंकि असेट इटसेल्फ इज डिस्ट्रॉयड, इट्स नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, कैपिटल गेन इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन सेक्शन 45(1A) ये बोलती है कि अगर आपकी कोई कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय होती है ड्यू टू द फोर रीजन में कौन कौन से थे, पहला नेचुरल कैलेमिटी, दूसरा राइट, तीसरा एनिमी अटैक और चौथा फायर एक्सप्लोजन। अगर ये चार रीजन से, नेचुरल कैलेमिटीज, राइट, फायर एक्सप्लोजन, एनिमी अटैक,
अगर ये चार रीजन से अगर आपकी एसेट कोई डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, और अगर इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलता है तो उस केस में ट्रांसफर माना जाएगा और आपको कैपिटल गेन भी लगेगा। इस केस में ध्यान रखना, ट्रांसफर उस ईयर को माना जाएगा जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है। तो यह भी 45(1) का एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि 45(1) ये बोलती थी कि जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उस ईयर में टैक्स लगेगा, लेकिन यहां पे ट्रांसफर उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन टैक्स आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला। सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे? जो इंश्योरेंस क्लेम में आपको मिलता है दैट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बहुत बार क्या होता है, इंश्योरेंस क्लेम में कोई एसेट मिलती है तो जो एसेट आ रही है उसके बदले, आपकी एसेट एक डिस्ट्रॉय हुई उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी ने कोई आपको एसेट दी, तो जो एसेट आपके पास आ रही है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी दैट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। वो तुम्हारी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है, वो बन जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट ऑर नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम में वो असेट मिली, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू था वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया, कल उठ के वो असेट को जब आप बेचोगे तो मैं बोलूं जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लिया था वो ही उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो बन जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यस। चलो, नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू 45(5), दैट इज जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। अब एक बात समझना, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है कि आप बिल्डर के साथ अग्रीमेंट करते हो और बिल्डर को आप क्या करते हो, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, यह है वो बिल्डर को ट्रांसफर कर देते हो, और बिल्डर आपसे यह वादा करता है कि मैं क्या करूंगा जब इस पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा उस प्रोजेक्ट में आपको कुछ शेयर दूंगा, एज वेल एज मेनी टाइम ऐसा होता है कि उसके साथ साथ में आपको कुछ मनी भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। अब एक बात समझना, अपन ने सेक्शन 247 जो ट्रांसफर का डेफिनेशन था उसमें क्या लिखा था कि जब आप पजेशन हैंडओवर करते हो वो ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन एक चीज समझना, यहां पे जब भी आप जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पजेशन बिल्डर को देते हो उस ईयर में आपको ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन टैक्स उस ईयर में नहीं लगेगा, आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उस प्रोजेक्ट का या पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर को मिल जाता है। तो जैसे आई कैन टेक एग्जांपल के मेरे पास मान लो कोई प्लॉट था, मैंने बिल्डर को वो प्लॉट दे दिया और बिल्डर ने जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट किया कि इसके ऊपर मैं चार फ्लैट बनाऊंगा और चार फ्लैट में से दो फ्लैट है वो बीबी सर को दे दूंगा, तो मैंने उसको आज ही पजेशन हैंडओवर कर दी, मैंने उसको पजेशन हैंडओवर कर दी, वो अब इस पे प्रोजेक्ट बनाएगा और उसके बाद दो फ्लैट मुझे देने वाला है, तो मैंने जैसे ही पजेशन हैंडओवर करी ये ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन अब नहीं लगेगा, कैपिटल गेन तब लगेगा जब उस प्रोजेक्ट का या पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, उस प्रोजेक्ट का या पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है उस ईयर में उस पर टैक्स लगेगा। अब एक और चीज समझना, सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा इसमें, तो आपको जो शेयर मिलने वाला है उस बिल्डर से, उस शेयर का आपका जो शेयर है उसका जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगा एज ऑन द डेट ऑन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड बाय द बिल्डर, दैट इज एसडीवी एज ऑन द डेट ऑन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड बाय द बिल्डर, उस दिन का एसडीवी जो होगा, एसडीवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जाएगा और कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है। हाँ, अब एक और चीज समझना, मेनी टाइम ऐसा भी होता है कि आपको उस प्रोजेक्ट में वो शेयर के साथ साथ में मतलब जो फ्लैट वगैरह मिलने वाले हैं उसके साथ साथ में मनी भी मिलता है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेते टाइम ध्यान रखना कि जो मनी है वो मनी भी आप वहां पे एसडीवी में ऐड करोगे। तो जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, इधर देखो, मैंने एक बिल्डर को मेरा प्लॉट ट्रांसफर किया आज, दो उसने बोला कि मैं आपको दो फ्लैट दूंगा और वो दो फ्लैट तीन साल बाद कंप्लीट हुए और उसका सीसी मिला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, तो जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस ईयर में मुझे कैपिटल गेन लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा, मेरा जो शेयर है उसका एसडीवी एज ऑन द डेट ऑन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड, वो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ले लूंगा। अभी बिल्डर बहुत बार ये बोलता है कि दो फ्लैट दूंगा उसके साथ में आपको 50 लाख रुपया कैश भी दूंगा, तो 50 लाख रुपए को भी एड कर देंगे वाइल कैलकुलेटिंग द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है, और आपका कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक और बात समझना, अगर उस प्रोजेक्ट को वापस बेच देते हो, आपको जो शेयर मिला था उस शेयर को अगर वापस बेच देते हो, तो मैं बताऊं उस शेयर को जब आप वापस बेचोगे तो उसका जो एसडीवी था वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। जैसे दो फ्लैट मिले थे उसका एसडीवी पर फ्लैट का 50-50 लाख था, तो वो 50-50 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा जब मैं वापस से उन फ्लैट्स को बेचूंगा। तो मैंने यहां पे दो एग्जांपल दे रखे, वो दो एग्जांपल आप ढंग से पढ़ना क्योंकि यहां एक अल्टरनेटिव व्यू आ रही है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो कैश वाला कंपोनेंट था, जो आपको पैसा मिला था, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन था, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, लेकिन वो लॉजिकल चीज नहीं है। मैंने दोनों अल्टरनेटिव करके आपको यहां पे दे रखा है, तो आप एक बार इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, अपन ने 3-4 सेक्शन पढ़ी। नॉर्मली क्या होता है, 45(1) ये बोलती है कि जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उसी ईयर में टैक्स लगेगा, लेकिन इसके चार एक्सेप्शन है। पहला, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड के केस में कन्वर्जन के ईयर में ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में स्टॉक सोल्ड होगा। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट के केस में ट्रांसफर उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में कंपलसरी एक्विजिशन होगा, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलेगा। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट के केस में डिस्ट्रक्शन हुआ उस ईयर में ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा उस ईयर में टैक्स लगेगा।
लगेगा। और इन केस ऑफ द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में जिस ईयर में आपने पोजीशन हैंडओवर की उस ईयर में ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन जिस ईयर में उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा। उसके बाद दो छोटी सी सेक्शन जो है 45(3) एंड 45(4) ये बोलती है 45(3) के अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफर करता है या मेंबर जो है वो AOPBOI को असेट ट्रांसफर करता है तो उस केस में ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा। उसने ट्रांसफर किया एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज कभी भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में असेट लेके गया, ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा। व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी द अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जिस वैल्यू से उस असेट को रिकॉर्ड करती है वो तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। 45(4) ये बोलती है कि अगर पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को असेट ट्रांसफर करती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और अदरवाइज तो उस केस में ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा। और जो FMV होगी एज ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस दिन जो FMV होगी दैट FMV विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फॉर द पार्टनरशिप फर्म। और ये सेम प्रोविजन लगेगा जब AOPBOI अपने मेंबर को असेट बांटती है। तो देखो दो सेक्शन है, एक 45(3) एक 45(4). 45(3) क्या बोलती है? पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफर की। और 45(4) क्या बोलती है? फर्म ने पार्टनर को असेट ट्रांसफर की, ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा, पहले में पार्टनर दूसरे में फर्म के हाथ में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? पहले वाले में अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और दूसरे वाले में FMV एज ऑन डेट ऑफ द ट्रांसफर। अब एक बात समझना, कंफ्यूज करने के लिए, पहले वाले में एग्जामिनर आपको FMV दे सकता है जिसको आपको इग्नोर करना है, और सेकंड वाले केस में आपको वहां पे अग्रीड वैल्यू दे सकता है जिसको आपको इग्नोर करना है। उसके बाद 45(2) ये बोलती है कि अगर मान लो आपके पास कोई डीमैट सिक्योरिटीज है, जब आप डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटी हेल्ड करते हो तो आपको पता नहीं चलता कौन सी आप बेच रहे हो, तो उसके लिए आपको फीफो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो डीमैट अकाउंट में पहले आया था वो पहले बाहर जाएगा। आपको फीफो मेथड है वो फीफो मेथड फॉलो करना पड़ेगा, जो डीमैट में पहले आया वो डीमैट से पहले बाहर जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट है तो आपको क्या सब डीमैट अकाउंट को मर्ज करके फीफो निकालना पड़ेगा? आंसर इज नो। आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अकाउंट का अलग अलग फीफो मेथड है वो आपको देखना पड़ेगा। एक और चीज समझना, अगर मान लो पुराना जो सिक्योरिटी था जो पेपर फॉर्म वाला था उसको अगर आप डीमटेरियलाइज कर देते हो तो उस केस में आपको जो फीफो मेथड फॉलो करना है वो परचेज की डेट वाइज नहीं लेना, डीमैट की डेट वाइज लेना है। जो डीमैट में पहले आया था वो सबसे पहले बाहर जाएगा। उसके बाद सेक्शन 50C, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और उसमें अमेंडमेंट भी है। अब एक बार समझना, 50C ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल असेट है, अगर उसको आप ट्रांसफर करते हो और आपका सेल कंसिडरेशन है वो SDV से कम है, सेल कंसिडरेशन SDV से कम है तो SDV आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन इस साल से इन्होंने यहां पे एक टॉलरेंस बैंड डाला है 5% का। ये टॉलरेंस बैंड क्या होता है समझने की कोशिश करना, कि अगर आपका सेल प्राइस है और उसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है तो ही आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, अदरवाइज आपका सेल प्राइस है वही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। जैसे समझने की कोशिश करने, एक बात बताओ, मैंने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेची और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 1.8 करोड़ है। अब एक बात बताओ, 1 करोड़ में मैंने बेची एंड SDV इज 1.8 करोड़, तो वॉट एवर माई सेल कंसिडरेशन का 105% विल बी 1.5 करोड़ और वो 1.8 करोड़ है SDV, तो मैं बोलू 105% से ज्यादा है कंसिडरेशन के, तो उस केस में 1.8 करोड़ है वो क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन एक बात समझना, जैसे मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी 1 लाख में बेची बट उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 1,03,000, तो एक बात बताओ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा नहीं है, तो इस केस में 1 लाख है वो 1 लाख ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। मतलब आपको क्या देखना है कि ये सेल कंसिडरेशन SDV, अगर SDV जो है वो सेल कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा है तो आप SDV ले लो, अदरवाइज आप जो कंसिडरेशन है वही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। अब एक बात समझना, अगर मान लो SSC उस SDV से असेसी जो है वो उस SDV से सेटिस्फाइड नहीं है, ही मे रिक्वेस्ट टू द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर को वो दो केस में बोल सकता है, पहला अगर वो बोलता है कि ये SDV मार्केट वैल्यू से ज्यादा है और उसने उस SDV को और कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया, किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी में और कहीं चैलेंज नहीं किया है, तो ही मे रिक्वेस्ट टू द असेसिंग ऑफिसर एंड असेसिंग ऑफिसर मे ट्रांसफर योर केस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। अब एक चीज समझना, वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर SDV बढ़ा दी तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू छोड़ दो, बट वैल्यूएशन ऑफिसर ने SDV अगर कम कर दी तो उस केस में व्हाटएवर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू है वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो भी वैल्यू ऑफिसर की वैल्यू है वो तुम्हारा बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब एक बात समझना सर, ये SDV जो लेनी है ये कौन सी डेट की लेनी है? तो देखो, नॉर्मली जो SDV लेते हैं वो रजिस्ट्रेशन का डेट का लेते हैं, लेकिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, और अग्रीमेंट की डेट पर अगर मान लो सेलर को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो सेलर यहां पे जो SDV है वो अग्रीमेंट की डेट का ले सकता है। तो देखो 50C में ये बोला हुआ है, नॉर्मली SDV जो लेना है वो रजिस्ट्रेशन की डेट का लेना है,
नॉर्मली एसडीबी आपको जो लेना है वो रजिस्ट्रेशन की डेट का लेना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की डेट और अग्रीमेंट की डेट अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीबी ले सकता है। सेलर अग्रीमेंट की डेट का एसडीबी ले सकता है, लेकिन अग्रीमेंट का डेट का एसडीबी वो तभी ले सकता है जब अग्रीमेंट की डेट है उससे पहले पहले उसको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया हो, बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। उसके बाद सेक्शन 50 सी ए क्या बोलता है पता है, कि अगर मान लो आपके पास कोई सिक्योरिटी है और वो अनकोटेड शेयर्स है, मतलब अनकोटेड शेयर्स के केस में, इन्होंने बोला अनकोटेड शेयर का मतलब होता है अनलिस्टेड, समझ लो अभी थोड़ी देर के लिए, इन्होंने यहां कोटेड का डेफिनेशन दे रखा है कि कोटेड को छोड़ के बाकी जितने भी शेयर है वो अनकोटेड हो जाएंगे। और ये कोटेड का डेफिनेशन कैसे देते हैं, कोटेड शेयर में शेयर लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रेगुलरली विद टाइम टू टाइम, और उसकी जो कोटेशन आती है वो कोटेशन करंट मार्केट ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आती है। आप सिर्फ इतना याद रखो कोटेड अनकोटेड, ये सेक्शन तभी लगेगी जब अनकोटेड शेयर आप ट्रांसफर कर रहे हो। अगर अनकोटेड शेयर अगर आप ट्रांसफर करते हो और आपका सेल प्राइस अगर उसके फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है इनसाइटो प्राइवेट लिमिटेड, उसके शेयर है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है, मैंने आपको 7 करोड़ में शेयर बेच दिया, तो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 करोड़ लिया जाएगा। मींस व्हाट एवर फेयर मार्केट वैल्यू है दैट will be treated as my full value of consideration। ये section 50C ये बोलती है, 50D ये बोलती है कि कभी कभी कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं होता है, जैसे कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है, कंसिडरेशन असर्टेनेबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप एक काम करो कि जो असेट तुम्हारी जा रही है उसका फेयर मार्केट वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, वो बन जाएगा। जो असेट आपकी जा रही है उसका फेयर मार्केट वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। जैसे मैंने आपको मान लो कोई असेट है वो ट्रांसफर की और आपने कुछ कंसिडरेशन मुझे इन काइंड देने वाले हो और उसका कंसिडरेशन आज डिटर्मिनेबल नहीं है, तो जो असेट मैंने आपको दी है उसी का फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। सेक्शन 51 ये बोलती है अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया, अगर आपने कोई एडवांस मनी खाया, मतलब आपको टोकन मनी मिला था, एडवांस मनी फॉरफिट किया, तो उसका क्या होगा, तो मैं बता दूं एडवांस मनी जब भी आप फॉरफिट करते हो और वो एडवांस मनी 1/4/2014 से पहले फॉरफिट किया है, अगर 1/4/2014 से पहले फॉरफिट किया तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करते हो तो ध्यान रखना आपको बिफोर इंडेक्सेशन लेस करना पड़ेगा, मतलब पहले आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करो और उसके बाद आप इंडेक्सेशन करो, ऐसा सेक्शन 51 बोलती है। और एक और चीज समझना, एडवांस मनी फॉरफिट बाय सी है तो ही वो रिड्यूस करना, अगर प्रीवियस ओनर ने कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया था तो वो आपको लेस करने की जरूरत नहीं है, अगर प्रीवियस ओनर ने कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया था तो वो आपको लेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ करंट ओनर ने जो एडवांस मनी फॉरफिट किया वही आपको लेस करना को मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, मैंने बोला था वो पॉइंट इलॉजिकल है, इलॉजिकल इसलिए है, एक तो प्रीवियस ओनर का एडवांस मनी फॉरफिट है वो आपको लेस करने को नहीं मिलता क्योंकि इस लैंग्वेज ऐसी यूज हुई है कि एडवांस मनी फॉरफिट बाय असेसी हैज टू बी रिड्यूस, और दूसरी चीज ये है कि जब आप एडवांस मनी फॉरफिट है वो कॉस्ट से लेस करते हो तो आपका इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो आपका पुराने से जाता है, मतलब आपको इंडेक्सेशन का लॉस होता है उस मनी पे करके, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक नई सेक्शन डाली 5629 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और वो सेक्शन 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल है, तो 1 अप्रैल 2014 के बाद में अगर आपने कोई भी एडवांस मनी फॉरफिट किया तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। तो एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014 शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और 1/4/2014 से पहले वाला एडवांस मनी है तो वो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करना है बिफोर इंडेक्सेशन। लेकिन एक और चीज समझना, अगर मान लो आपने असेट वो 1/4/2001 से पहले वाली है तो आप फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 रहेगा, उससे आप लेस करोगे, और अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो आप WDV से उसको लेस करोगे। उसके बाद सेक्शन 50B इज अ स्लम सेल। देखो स्लम सेल सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का। स्लम सेल जो है उसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई अंडरटेकिंग बेच देते हो या पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ अंडरटेकिंग बेच देते हो फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल असेट एंड लाइबिलिटीज, इंडिविजुअल असेट लाइबिलिटीज का वैल्यू डिसाइड नहीं होता और आप लमसम कंसिडरेशन से कोई अंडरटेकिंग बेच देते हो, बिजनेस बेच देते हो या कोई सेगमेंट बेच देते हो, तो उस केस में कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन कैसे लगेगा, पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में ले लो लमसम कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपके एक काम करो कि जो अंडरटेकिंग बिक रही है या जो सेगमेंट बिक रहा है उसका नेटवर्थ निकाल दो, वो नेटवर्थ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। लेकिन नेटवर्थ कैसे निकालोगे, तो नेटवर्थ निकालने के लिए आप एक काम करो कि जो भी तुम्हारी डेप्रिशिएबल असेट है, मतलब नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी, और असेट में ध्यान रखना डेप्रिशिएबल असेट के लिए ले लो WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रिशिएबल असेट के लिए लोगे WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अदर असेट के लिए ले लो बुक वैल्यू, और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे आप लेस कर दो, आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये नेटवर्थ निकालते टाइम आपके रीवैल्यूएशन के इफेक्ट को इग्नोर करना है। नॉर्मली रीवैल्यूएशन कहां होगा, जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट होती है लैंड वगैरह वहां पे रीवैल्यूएशन होगा, तो अगर रीवैल्यूएशन है तो उसके इफेक्ट को आपको इग्नोर करना है, उसको हटाना है। अगर मान लो रीवैल्यूएशन है वो 5 साल पहले 7 साल पहले 10 साल पहले किया हुआ है तो भी क्या उसको इग्नोर करना है, आंसर इज यस। अगर 10 साल पहले भी रीवैल्यूएशन किया है तो भी आपको उसको इग्नोर करना है, रीवैल्यूएशन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन। अब एक चीज समझना सर, यहां पे पता कैसे चलेगा यह लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, मैं बताऊं पता कैसे चलेगा, क्योंकि अंडरटेकिंग में ऐसा हो सकता है ना, कुछ असेट ऐसी है जो कल ही खरीदी, कुछ असेट ऐसी है 10 साल पहले
खरीदी थी, कुछ असेट 15 साल पहले खरीदी थी, आपको यह देखना है कि वो अंडरटेकिंग जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो चालू किए हुए कितना टाइम हो गया है। अगर वो चालू किए हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है तो आपका लॉन्ग टर्म होगा, और 3 साल से ज्यादा नहीं हुए तो आपका शॉर्ट टर्म होगा। मतलब वो चालू किए हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो आपका लॉन्ग टर्म होगा, और 3 साल से ज्यादा नहीं हुए तो आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यस। अब एक और चीज समझना कि जो स्लम सेल होता है, स्लम सेल में ध्यान रखना नेटवर्थ पे आपको कभी भी, नेटवर्थ जो होती है उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टेक्निकल वर्ड में मैं बोलूं तो सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 है वो आपको एप्लीकेबल है, वो नहीं होगा। एक और चीज समझना, अगर मान लो जब आप नेटवर्थ कैलकुलेट करते हो और कुछ असेट ऐसी है जिसपे 35 AD में आपने डिडक्शन ले लिया है, मतलब वो कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हॉस्पिटल, होटल, वो पड़ा हुआ है ना, 35 AD में अगर डिडक्शन ले लिया तो नेटवर्थ कैलकुलेशन में उस असेट की वैल्यू है वो आपको निल लेने का है। क्या लेने का है? निल। एक बात बताऊं मैं आपको, देखो 4 केस ऐसे होते हैं जहां आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले लॉन्ग टर्म है तो भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा 4 केस में। सर ये कौन कौन से 4 केस है? सबसे पहला मैं बता दूं, वो नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन सनी वाला, दैट इज फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, वो तो ना कन्वर्जन इंटू फॉरन करेंसी एंड रिकन्वर्ट इंटू, वो वाला उसमें नहीं मिलेगा। दूसरा बॉन्ड्स और डिवेंचर के केस में, लॉन्ग टर्म है तो भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तीसरा स्लम सेल के केस में, और चौथा मैं बता दूं सेक्शन 112A जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, 112A के केस में अगर लॉन्ग टर्म है तो भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, सेक्शन 47 है वो क्या बोलती है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे और उनके केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सर ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है हमको बता दो। सबसे पहले अगर HUF का पार्टीशन होता है, अगर HUF का पार्टीशन होता है और असेट मेंबर में बांटी जाती है, ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। दूसरा अगर असेट आप किसी को गिफ्ट करते हो, विल करते हो, इररिवोकेबल ट्रांसफर में करते हो तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर अगर असेट है वो आपको ईसॉप में मिले हुए शेयर्स वगैरह है, तो ईसॉप में मिले हुए शेयर्स या वारंट है तो उस केस में वो जब आप किसी को गिफ्ट करोगे तो ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा और उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा ट्रांसफर की डेट पे, मतलब गिफ्ट की डेट पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद में थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो अमलगमेशन होता है, दो कंपनीज का अमलगमेशन हुआ तो अमलगमेशन के केस में भी जब अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को असेट ट्रांसफर करेगी वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अमलगमेटेड कंपनी आपकी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद जब भी होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी की अगर 100% सब्सिडरी कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है उसकी 100% सब्सिडरी कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है उसकी, मतलब एक होल्डिंग कंपनी उसकी 100% सब्सिडरी कंपनी है और वो आपस में वाइस वर्सा अगर कोई भी असेट ट्रांसफर करती है वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज समझना, कंडीशन ये है कि 100% होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप होना चाहिए और उसके साथ में जो ट्रांसफरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ट्रांसफरी कंपनी का मतलब होता है जिस कंपनी को असेट ट्रांसफर किया जा रहा है वो ट्रांसफरी कंपनी आपकी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उस केस में ट्रांसफर नहीं माना जाता है। लेकिन एक चीज समझना, अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया, सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया और अगर वो सीधा ट्रांसफर कर रहे हो वो आगे वाले के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आपके लिए कैपिटल असेट है, आगे वाले के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो आपको 47 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके लिए वो कैपिटल असेट है, सॉरी आपके लिए कैपिटल असेट है यस, और आगे वाले के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, मींस ट्रांसफर एज अ स्टॉक इन ट्रेड टू द अदर कंपनी, देन सेक्शन 47 का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा होल्डिंग सब्सिडरी के वाले केस में। अब एक और चीज समझना, ये जो होल्डिंग सब्सिडरी है वो होल्डिंग सब्सिडरी के केस में आपको एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब होल्डिंग ने 100% सब्सिडरी को, 100% सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता, ट्रांसफरी कंपनी आपकी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर ये 5 ट्रांजेक्शन आपने बोले, पहला कौन सा, HUF का पार्टीशन, गिफ्ट वाला दूसरा, तीसरा अमलगमेशन, चौथा होल्डिंग सब्सिडरी और पांचवा सब्सिडरी होल्डिंग। सर ये 5 केस में ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता, लेकिन आगे वाला पर्सन जब भी बेचेगा तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, प्रीवियस ओनर से लेंगे, और इंडेक्सेशन भी कहां से लेंगे, प्रीवियस ओनर से लेंगे एज पर द केस लॉ ऑफ द मंजुला जे शाह। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 47A ये बोलती है कि अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया, सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर नहीं माना गया। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे दो कंडीशन है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो 8 साल के अंदर अंदर उस असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ट्रांसफरी कंपनी है वो उस असेट को 8 साल तक, ट्रांसफर की डेट से 8 ईयर्स के अंदर अंदर उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकती। और दूसरा, दोनों के बीच में 100% होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप खत्म नहीं होना चाहिए 8 साल तक। अगर ये दोनों में से किसी भी चीज का वॉयलेशन हुआ तो पहले जो ट्रांसफरर कंपनी को टैक्स नहीं लगा था वो वापस ट्रांसफरर कंपनी को अब टैक्स लग जाएगा और ट्रांसफरर कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन लग जाएगा। और कैपिटल गेन उसी ईयर में लगेगा जिस ईयर में ओरिजिनल ट्रांसफर किया था, मतलब पीछे से अपन रेक्टिफिकेशन करेंगे, वहां पर रेक्टिफिकेशन करेंगे जो ट्रांसफरर कंपनी असेसमेंट है वो रेक्टिफाइड होगा। उसके बाद एक और चीज समझना, अगर मान लो 47A अट्रैक्ट हो गई, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर किया, पहले टैक्स नहीं लगा बट 47A की वजह से वापस टैक्स लग गया, तो फिर ट्रांसफरी कंपनी के लिए उस असेट की कॉस्ट है वो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर नहीं आएगी, जितने में उसने खरीदा है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी।
उसके बाद में जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये पॉइंट है, ये तुम्हारे अमलगमेशन डीमर्जर से रिलेटेड है। तो अमलगमेशन डीमर्जर होने के बाद आपको फटाफट इसको आप रिकैप कर लोगे। उसके बाद एक बात समझना, पॉइंट नंबर 14, 15 क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। अगर कोई एक एनआर है और वो एनआर इंडिया के बाहर किसी दूसरे एनआर को इंडियन कंपनी का जीडीआर जो है, जीडीआर का मतलब क्या होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, या इंडियन कंपनी के जो बॉन्ड्स है जो सेक्शन 115 एसी में बोले हुए हैं वो ट्रांसफर करता है, या इंडियन कंपनी का कोई भी जो तुम्हारा रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है वो ट्रांसफर करता है इंडिया के बाहर किसी एक एनआर दूसरे एनआर को, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। तो इधर देखो, देखो एक एनआर है और वो दूसरे एनआर को ट्रांसफर कर रहा है, कहां कर रहा है इंडिया के बाहर, क्या कर रहा है पहला, अगर इंडियन कंपनी का बॉन्ड्स या इंडियन कंपनी का जीडीआर या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इंडिया के बाहर एक एनआर दूसरे एनआर को ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 16 इसी साल से आया है और ये अमेंडमेंट है, नया पॉइंट है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट क्या करता है कि इंडिया में जो आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, एक ही है अपने गांधीनगर गुजरात में, तो अगर आईएफएससी में कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है और वहां रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में नॉन रेजिडेंट क्या करता है, या तो जो इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स या जीडीआर बेचता है जो कि आपके 115 एसी में बोले हुए है, या दूसरा इंडियन कंपनी का रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बेचता है या डेरिवेटिव बेचता है, क्या करता है डेरिवेटिव है उसका ट्रांसफर करता है, तो उस केस में वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कंडीशन यहां पर यह है कि उसको कंसिडरेशन है वो फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए, कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए। तो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 17 भी फटाफट पहले डिस्कस कर लेता, उसके बाद में मैं उसको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। देखो, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर इंडियन गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी है उसके पास, इंडियन गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी है जिसपे पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मतलब गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, वो है, और वो नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर एक एनआर दूसरे एनआर को बेच देता है थ्रू इंटरमीडिएटरीज डीलिंग इन द सिक्योरिटी, तो उस केस में वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो एक बात बताऊं, मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं। देखो, दो तीन पॉइंट को मर्ज करके एक सिंपल सी चीज बता दूं, एक एनआर है वो दूसरे एनआर को इंडिया के बाहर इंडियन कंपनी का अगर कोई जीडीआर है, इंडियन कंपनी का बॉन्ड्स है या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। या फिर नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में जो आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, उसमें क्या करता है इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स या फिर इंडियन कंपनी के जो बॉन्ड्स है वो या फिर जीडीआर या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या डेरिवेटिव ट्रांसफर करता है आईएफएससी में, तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कंडीशन ये है कि उसको कंसिडरेशन जो मिलना चाहिए वो फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 के बाद पॉइंट नंबर 18 ये बोलता है कि वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का अगर रिडेम्पशन होता है और इंडिविजुअल है तो उस केस में वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद एक बात समझना, आपके पास कोई पेंटिंग्स है, ड्राइंग है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, वो अगर आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हो या फिर नेशनल गैलरी जो होती है, नेशनल आर्ट गैलरी, उसको ट्रांसफर कर देते हो, नेशनल म्यूजियम को ट्रांसफर कर देते हो या नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है उसको ट्रांसफर करते हो तो उस केस में वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक बात समझना, आपके पास किसी कंपनी का बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, डिबेंचर स्टॉक है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, क्या है बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, डिबेंचर स्टॉक है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, वो उसी कंपनी के अगर डिबेंचर और शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो एक कन्वर्जन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, जब आपको जो शेयर मिला या डिबेंचर मिला वो जब आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन सर वो शेयर डिबेंचर का कॉस्ट क्या लेंगे, वही लेंगे जो ओरिजिनल डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या बॉन्ड्स का कॉस्ट था, और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वो पुराना वाला डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या फिर तुम्हारा जो डिबेंचर स्टॉक था वहीं से पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे। और मैं बता दूं, इंडेक्सेशन भी आपको पीछे से ही मिलेगा, ऐसा एक आईसीआई का क्वेश्चन है कि पहले डिबेंचर था अब शेयर बन गया, तो डिबेंचर से शेयर बना तब ट्रांसफर नहीं माना गया, शेयर बेचा तो कैपिटल गेन लगा, और शेयर के लिए कॉस्ट लेंगे डिबेंचर का, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी डिबेंचर से और इंडेक्सेशन भी डिबेंचर से लिया हुआ, ऐसा आईसीआई के स्टडी मैट में क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन मैंने लिया है। ऐसे का ऐसे अगर आपके प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी शेयर में ट्रांसफर हो जाते, कन्वर्जन हो जाते, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, इक्विटी शेयर जब बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे, प्रेफरेंस शेयर का, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, प्रेफरेंस शेयर से, इंडेक्सेशन भी कहां से लेंगे, प्रेफरेंस शेयर से। अगर कोई सिक इंडस्ट्रियल कंपनी और वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी लैंड बेच देती है, क्या बेचती है लैंड, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जिस पीरियड में वो सिक है उसी पीरियड में अगर वो लैंड बेचती है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन सिक वाला पीरियड किसको बोलेंगे, जिस ईयर में उसकी नेटवर्थ से ज्यादा एक्यूमुलेटेड लॉस हो जाते हैं उस ईयर से लेके और जिस ईयर में वो नेटवर्थ से इक्वल हो जाते हैं, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस या नेटवर्थ से कम हो जाते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उस ईयर तक अगर उन्होंने लैंड ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक बात समझना, जो स्टॉक एक्सचेंज से पहले एओपी बीओआई हुआ करता था, अब कंपनी बन गया, तो जो भी मोतीलाल ओसवाल था उसके पास मेंबरशिप कार्ड था, अब उसकी जगह उसको क्या मिल गया, शेयर मिल गए और उसके साथ साथ में ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट मिला। तो अगर उसको उसके मेंबरशिप कार्ड की जगह शेयर और ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट मिला, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन है, वो आपको नहीं लगेगा।
उसके बाद इंडिया में अगर आप स्टॉक लैंडिंग करते हो तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। स्टॉक लैंडिंग का मतलब होता है शेयर को किसी को उधार देना। अगर आप शेयर को थोड़े टाइम के लिए किसी को उधार देते हो, वापस आपको मिल जाता है, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एज वेल एज द रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, अपने देखा था सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके मम्मी पापा जो होते हैं वो सीनियर सिटीजन है, उनके कोई बच्चे होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्गेज बैंक के पास करवा देते हैं, और बैंक क्या करती है कि उनको कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट में या लमसम पैसा देती है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड रिवर्स मॉर्गेज। अब एक बात समझना, रिवर्स मॉर्गेज में जब वो सीनियर सिटीजन ने वो असेट उनको ट्रांसफर की, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एज वेल एज मैं बता दूं, रिवर्स मॉर्गेज में जो भी पैसा मिलता है वो भी पूरा एग्जेम्प्ट होता है ड्यू टू द सेक्शन 1043 करके एक सेक्शन होती है, उसकी वजह से वो पूरा क्या हो जाता है एग्जेम्प्ट। उसके बाद एक बात बताऊं, तीन तरह के कन्वर्जन थे यहां पे, तीन तरह के कन्वर्जन, प्रोपराइटर से कंपनी बनना, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बनना, या छोटी छोटी कंपनी से एलएलपी बनना। ये तीन तरह के कन्वर्जन थे जिसके केस में टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहला इधर देखो, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है और पार्टनरशिप फर्म कंपनी को असेट ट्रांसफर करेगी, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन वहां पे कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशंस क्या थी? सबसे पहली कंडीशन, ऑल असेट एंड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए, ऑल पार्टनर उधर शेयर होल्डर बनने चाहिए, और शेयर होल्डर उसी रेशियो में बनने चाहिए जिस रेशियो में इधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट था। जिस रेशियो में इधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट था उधर, उसी रेशियो में उधर है वो शेयर होल्डर बनने चाहिए, और शेयर का रेशियो भी वही होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यह थी कि पार्टनर को सिर्फ शेयर्स मिलने चाहिए, शेयर्स को छोड़कर कुछ नहीं मिलना चाहिए। और चौथी कंडीशन ये थी कि जो पार्टनर्स शेयर होल्डर बने वो पार्टनर्स का वहां पे इक्विटी शेयर होल्डिंग नेक्स्ट 5 इयर्स तक कन्वर्जन की डेट से 5 साल तक 50% से कम नहीं होना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डिंग, वोटिंग पावर वाला शेयर होल्डिंग। उसके बाद अपन ने देखा था कि अगर प्रोपराइटरी कंसर्न है वो कंपनी में बदल जाता है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। प्रोपराइटरी कंसर्न कैपिटल असेट है, वो जब ट्रांसफर करेगा कंपनी को वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कंडीशन क्या है? पहली, ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि प्रोपराइटर को वहां से सिर्फ शेयर्स मिलने चाहिए और कोई नहीं मिलने चाहिए, और प्रोपराइटर का उस कंपनी इक्विटी शेयर होल्डिंग नेक्स्ट 5 इयर्स तक 50% से कम नहीं होना चाहिए करके, ठीक है? ये तीन कंडीशन थी। उसके बाद अपन ने देखा था कि अगर मान लो तुम्हारी अनलिस्टेड कंपनी है, क्या है अनलिस्टेड कंपनी, छोटी छोटी कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, वहां पे क्या लिखा हुआ था, या तो प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तो मैं यही बोलता हूं अनलिस्टेड कंपनी। अगर अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी बन जाती है तो उस केस में भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल असेट ट्रांसफर किया वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कंडीशन क्या क्या थी? पहला, ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए कंपनी से एलएलपी को। दूसरा, जितने भी शेयर होल्डर थे वो उधर पार्टनर बनने चाहिए और पार्टनर उसी रेशियो में बनने चाहिए जितना इधर शेयर होल्डिंग का पैटर्न था, उसी रेशियो में उनको उधर पीएसआर और कैपिटल मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी शेयर होल्डर पार्टनर बने उनको पीएसआर और कैपिटल को छोड़कर और कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। चौथी कंडीशन यह थी कि जो शेयर होल्डर वहां पार्टनर बने उनका उधर जो पार्टनरशिप में पीएसआर है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। उसके बाद एक और कंडीशन यह था कि जो भी कंपनी है वो कंपनी के लास्ट के 3 सालों का, जिस ईयर में कन्वर्जन हो रहा है उसके पीछे के 3 साल में टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और पीछे के 3 सालों में उसकी जो टोटल असेट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और कन्वर्जन की डेट पे जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट था वो नेक्स्ट 3 इयर्स तक पार्टनर में डिवाइड नहीं करना है। अगर ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उस केस में ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो तीन सक्सेशन देखे, प्रोपराइटर टू कंपनी, पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, और छोटी छोटी कंपनी से एलएलपी। छोटी छोटी कंपनी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लास्ट के 3 सालों में टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा नहीं है, ऐसी वाली कंपनी इसका बेनिफिट ले सकती है। अब एक बात समझना, अगर आगे जाके वायलेशन हो गया, अगर आगे जाके वो कंडीशन का वॉयलेशन हो गया, वो 50% का शेयर होल्डिंग वगैरह कम हो गया, तो मैं बताऊं जितना पहले ट्रांसफरर को टैक्स नहीं लगा था वो टैक्स भरना पड़ेगा अब, और वो कौन भरेगा? ट्रांसफर ही भरेगा, क्योंकि ट्रांसफरर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जो भी तुम्हारा प्रीडेसेसर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रोपराइटर से कंपनी बना तो प्रोपराइटर खत्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बना तो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गया, और छोटी छोटी कंपनी से एलएलपी बना तो वो कंपनी खत्म हो गया। तो जितना प्रीडेसेसर को टैक्स नहीं लगा था वो सक्सेसर उस पर टैक्स भर देगा उस ईयर में जिस ईयर में वॉयलेशन होता है, ये सेक्शन 47A बोलती है। अब एक बात समझना, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम होती है, अगर आप सिमिलर स्कीम को कंसोलिडेट कर देते हो, मर्ज कर देते हो, और आपको पुरानी स्कीम की यूनिट की जगह नई स्कीम की यूनिट मिलती है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन एक बात समझना, नई स्कीम की जो यूनिट मिली वो जब बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। कॉस्ट क्या लेंगे? पुरानी स्कीम की यूनिट की कॉस्ट। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? पुरानी स्कीम जब से खरीदी थी उसकी यूनिट की पीरियड ऑफ होल्डिंग से। और इंडेक्सेशन भी अपन है वो पुरानी यूनिट जब खरीदी थी उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वहीं से ले लेंगे, ठीक है? लेकिन एक बात समझना, यहां पे दो स्कीम का मर्जर हुआ तो आपको पुरानी यूनिट के बदले नई स्कीम की यूनिट मिली, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे मर्जर जो होता है ना वो इक्विटी ओरिएंटेड मिलके अगर इक्विटी ओरिएंटेड बना तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा, या डेट ओरिएंटेड मिलके डेट ओरिएंटेड बना तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर इक्विटी डेट मिलके डेट बना या
इक्विटी मिलकर डेट बना या डेट डेट मिलकर इक्विटी बना, तो उस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मतलब एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब इक्विटी इक्विटी मिलकर इक्विटी बनता है या डेट डेट मिलकर डेट डेट मिलकर डेट बनता है, तो उसी केस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि बहुत बार क्या होता है, म्यूचुअल फंड के जो सिमिलर प्लान होते हैं वो प्लान आपस में मर्ज हो जाते हैं। देखो, एक होती है स्कीम और स्कीम के अंदर होते हैं प्लान। अब जैसे मान लो बहुत सारे प्लान है, ग्रोथ प्लान, डिविडेंड प्लान वगैरह, वो प्लान अगर आपस में मर्ज हो जाते हैं तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर मान लो एक स्कीम है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, उसी के प्लान आपस में मर्ज होने चाहिए, ठीक है, या फिर एक डेट ओरिएंटेड है तो उसी स्कीम के अंदर अंदर के प्लान मर्ज होने चाहिए। तो मेरे पास मान लो पहले ग्रोथ प्लान था कोटक का, और उसी स्कीम का मुझे अब ग्रोथ प्लान की जगह डिविडेंड प्लान मिल गया करके, ठीक है, तो उस केस में वो मेरे हाथ में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब भी मैं नए वाले प्लान की यूनिट को बेचूंगा तो कैपिटल गेन लगेगा, कॉस्ट क्या लूंगा, पुराने वाले प्लान की यूनिट का कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुराने वाले यूनिट के पीरियड एक्विजिशन जब किया था तो वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग, और इंडेक्सेशन भी पुराने वाले प्लान की जहां से मैंने खरीदी थी वहां से मैं ले लूंगा, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यस, विद एग्जाम्पल मैंने आपको चीजें दे रखी है। नेक्स्ट पार्ट इज एग्जेम्पशन, और एग्जेम्पशन में सबसे पहली एग्जेम्पशन 54 क्या बोलती है, ध्यान रखना, एग्जेम्पशन फॉर द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 54 इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होनी चाहिए, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अगर उसी से आप अगर नया हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर देते हो, और वो भी वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया होना चाहिए, मतलब जो नया हाउस प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हो वो इंडिया में होना चाहिए, और एक ही हाउस प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हो परचेज या कंस्ट्रक्शन, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। टाइम लिमिट क्या रहेगा, या तो ट्रांसफर की डेट से एक साल पहले के अंदर अंदर, ट्रांसफर की डेट से दो साल के बाद के अंदर अंदर परचेज करना पड़ेगा, या ट्रांसफर की डेट से तीन साल अंदर कंस्ट्रक्शन करना कंप्लीट करना पड़ेगा। अब एक और बात समझना, यहां पे आपको अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा कि जो भी तुम्हारा कैपिटल गेन था या कॉस्ट ऑफ न्यू असेट, जो न्यू असेट का कॉस्ट है व्हिच एवर इज लोअर है, उतना आपको एग्जेम्पशन है वो मिल जाएगा। अब एक बात समझना, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा, या तो हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेनी पड़ेगी, या फिर उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवाना पड़ेगा, और जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपने जो पैसा जमा करवाया, अल्टीमेटली दैट अमाउंट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर उसका मिस यूटिलाइजेशन हुआ या अनयूटिलाइजेशन हुआ तो उस पर वापस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो नया हाउस प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो उसको आपको तीन साल के अंदर अंदर ट्रांसफर नहीं करना, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन लॉक इन लग जाएगा तीन साल का। अगर आपने नया हाउस प्रॉपर्टी तीन साल के अंदर अंदर बेच दिया तो क्या होगा कि नए हाउस प्रॉपर्टी का जब आप कैपिटल गेन निकाल रहे होंगे ना, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो नए हाउस प्रॉपर्टी की जितना एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से अपन लेस कर देंगे बिफोर इंडेक्सेशन करके, ठीक है। इंडेक्सेशन करने से पहले जो नए हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जितना एग्जेम्पशन पहले आपने लिया था वो लेस कर देंगे। अब आप बोलोगे सर इंडेक्सेशन का फंडा क्यों आया यहां पे, क्यों बोला आपने तीन साल के अंदर अंदर तो बेच रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग दो साल का होता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है दो साल बाद बेच रहे, तीन साल के अंदर अंदर बेच रहे, तो इंडेक्सेशन हो रहा है, तो उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्स करने से पहले आपने जितना एग्जेम्पशन लिया था वो आप क्या कर दो, लेस कर दो। 54 बी है वो आपको खुद को पढ़ना है, 54 सी है, डी है वो भी आपको पढ़ना है, 54 ई सी बता दूं। देखो 54 ई सी क्या बोलता है कि आपके पास अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आप ट्रांसफर करते हो, लास्ट ईयर तक क्या था, एनी एलटीसीए ट्रांसफर करो और एनएचए आरईसीएल के बॉन्ड खरीदो, लेकिन इस बार से अमेंडमेंट है, अगर आप ट्रांसफर करते हो क्या लैंड बिल्डिंग और बोथ, मतलब आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करो, एनी असेसी सब असेसी को ये एग्जेम्पशन मिलेगा, और जो भी आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। आपको खरीदना क्या है, या तो एनएचआई आरईसीएल या पीएफसीएल या फिर आईआरएफसीएल के बॉन्ड खरीदने हैं। एनएचआई का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरईसीएल मींस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बाद पीएफसीएल का मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स आपको एक्वायर करने हैं विदिन सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेट से छह महीने के अंदर अंदर आप एक्वायर करोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब एक बात समझना, यहां पर आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और चीज समझना यहां पर, कि यहां पे मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप 50 लाख की ले सकते हो, मतलब ट्रांसफर की डेट से 6 साल के 6 महीने के अंदर अंदर जो भी आप एक्वायर करोगे मैक्सिमम एग्जेम्पशन है वो आप 50 लाख रुपीस का ले सकते हो। अब एक और बात समझना, जो भी आपने एग्जेम्पशन लिया तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जो तुम्हारा कैपिटल गेन था या इन्वेस्टेड अमाउंट विच एवर इज लोअर, बट मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको 50 लाख का मिलेगा करके, ठीक है। अगर मान लो आपने क्या किया, आपने 1 करोड़ का खरीदा तो भी आपको 50 लाख का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। अब एक और चीज समझना, आपको जो बॉन्ड्स खरीदने एनएचए आरईसीएल पीएफसीएल या आईआरएफसीएल के, वो बॉन्ड्स 5 ईयर्स के लिए होने चाहिए, मतलब मिनिमम पीरियड उसका 5 ईयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स वाले बॉन्ड्स होने चाहिए। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो वो बॉन्ड्स है वो आपने 5 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि यहां लॉक इन पीरियड 5 साल का लगेगा, इस साल से ये
अमेंडमेंट है कि लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का लगेगा, 5 साल में वो बॉन्ड्स को आपको ट्रांसफर नहीं करना। अगर आपने 5 साल में बॉन्ड्स को ट्रांसफर किया तो बॉन्ड्स पे कैपिटल गेन आना है, वो तो आएगा ही आएगा अलग। बॉन्ड्स पे कैपिटल गेन आप सेपरेटली कैलकुलेट करोगे, लेकिन जितना पहले आपने एग्जेम्पशन लिया था वो वापस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में बॉन्ड्स को आपने ट्रांसफर किया करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, बॉन्ड्स को आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते एज वेल एज बॉन्ड्स को आप कन्वर्टेड इंटू मनी नहीं कर सकते। वो जो बॉन्ड्स है उस बॉन्ड्स का आप कन्वर्जन इंटू मनी नहीं कर सकते। आप बोलोगे कन्वर्जन इंटू मनी क्या होता है, वो बॉन्ड्स को मॉर्गेज रख के कहीं पे आप लोन भी नहीं ले सकते। इफ अगर मान लो बॉन्ड्स को मॉर्गेज रख के आपने लोन लिया तो ये मान लिया जाएगा बॉन्ड्स इज कन्वर्टेड इंटू मनी और उस केस में आपको जो एग्जेम्पशन मिली है वो एग्जेम्पशन विदड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद सेक्शन 54F क्या बोलती है कि इंडिविजुअल एचयूएफ पे ये सेक्शन लगेगी। आप एनी एलटीसी या कुछ भी बेचो लेकिन आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। टाइम लिमिट रहेगा -1, +2, +3 का और आपको वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया एक्वायर करना है। टाइम लिमिट रहेगा -1, +2, +3 का। सीजीएस का स्कीम सेम वैसा का वैसा जो 54 में पड़ा था। यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट है एग्जेम्पशन। सर एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? देखो अगर नेट कंसीडरेशन पूरा यूटिलाइज कर दिया तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेट कंसीडरेशन अगर प्रोपोर्शनेटली यूटिलाइज किया तो कैपिटल गेन भी आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। कैसे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट कंसीडरेशन, ऐसे आपको एग्जेम्पशन है वो मिल जाएगी। 54GGA आप एक बार पढ़ लेना, जी भी मैं बता देता हूं। देखो जीबी क्या बोलती है, पहली चीज दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड है तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आपको करना क्या है कि वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको बेचना है और आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है जिसको मैं बोलूंगा स्टार्टअप। आपको एक स्टार्टअप लगाना है और वो स्टार्टअप जब है वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगा तो आपको एग्जेम्पशन है वो मिल जाएगी। अब एक बात समझना, वो स्टार्टअप के आपको इक्विटी शेयर खरीदने हैं अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग और जिस दिन आपने शेयर सब्सक्राइब किए उस दिन से एक साल के अंदर अंदर वो स्टार्टअप क्या करेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगा तो एग्जेम्पशन है वो आपको मिल जाएगा। अब एक चीज समझना कि सर यहां सीजीएस का स्कीम है वो एसएससी पे तो नहीं लगेगा क्योंकि एसएससी को तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले न्यूली स्टार्टअप जो है उसके शेयर खरीदने ही खरीदने हैं, लेकिन ये स्कीम है वो कंपनी को लगेगा। मतलब कंपनी को क्या करना पड़ेगा पता है, एसएससी की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले या तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी नहीं तो वो पैसा सीजीएस अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा जिससे कि एसएससी को एग्जेम्पशन मिल जाए। अब एक बात समझना, यहां पे भी एग्जेम्पशन प्रोपोर्शनेट बेसिस मिलेगी जैसा 54F में पढ़ा था कि अगर वो नेट कंसिडरेशन प्लांट एंड मशीनरी में पूरा यूटिलाइज हो गया तो पूरा एग्जेम्प्ट, अदरवाइज आपको प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगा एलटीसीजी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट दैट इज न्यू प्लांट एंड मशीनरी और डिवाइड बाय नेट कंसीडरेशन। अब एक और चीज समझना, जो भी आपने वो शेयर खरीदे हैं न्यूली स्टार्टअप के, वो स्टार्टअप के शेयर खरीदे वो शेयर आप 5 साल में बेच नहीं सकते। अगर आपने 5 साल में शेयर बेच दिए तो शेयर पे कैपिटल गेन तो आएगा ही आएगा, जितना पहले एग्जेम्पशन लिया था वो वापस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आपने शेयर ट्रांसफर किए। लेकिन जो कंपनी है वो कंपनी भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी नहीं बेच सकती, कब तक पता है, 5 साल तक। कंपनी शुड नॉट ट्रांसफर द न्यू प्लांट एंड मशीनरी विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। कंपनी ने न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर 5 साल में बेचा तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे कैपिटल गेन किसके हाथ में आएगा, कंपनी के हाथ में आएगा, लेकिन जितना एसएससी ने पहले एग्जेम्पशन लिया था वो वापस उसके हाथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा। अब एक बात समझना, प्रोपोर्शनेट शेयर या प्रोपोर्शनेट प्लांट एंड मशीनरी बिकता है तो आपका कैपिटल गेन विड्रॉ जो होगा वो भी प्रोपोर्शनेट होगा। उसके बाद यहां पे एक और चीज समझना, कुछ नोट्स थे वो नोट्स ये थे। पहला नोट तो ये कि 54F जो होती है उसमें आप एक ही घर खरीद सकते हो एज वेल एज 54 में भी आप नया घर एक ही खरीद सकते हो, लेकिन 54F में ये कंडीशन और है कि जिस दिन आप एनी एलटीसीए ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन आपके पास ऑलरेडी एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास 0 है नया एक खरीदोगे एग्जेम्पशन 54F का मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक है एक और खरीदोगे तो उस केस में आपको 54F का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी 2 है और एक खरीदोगे तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। तो एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए 54F का एग्जेम्पशन चाहिए, तो आपके पास एक या एक से कम होना चाहिए तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद में सर 54H ये बोलता है कि जहां जहां देखो नॉर्मली जितनी भी टाइम लिमिट अपन ने देखी है -1, +2, +3 कहीं 6 महीना वगैरह समथिंग लाइक दैट, तो ये जो टाइम लिमिट जहां जहां अपन ने देखी है वो टाइम लिमिट ट्रांसफर की डेट से देखी जाती है। लेकिन ध्यान रखना अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर्ड होती है तो वहां पर यह पीरियड ऑफ जो पीरियड रहता है ठीक है टाइम लिमिट जो रहती है वो कंपनसेशन रिसीव्ड होगा उस डेट से कैलकुलेट होगी ना कि ट्रांसफर की डेट से। 54G में सर एलिजिबल कंपनी है उसको किसको बोलते हैं एलिजिबल कंपनी, क्योंकि मैंने बोला आपको स्टार्टअप होना चाहिए तो एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जो न्यूली इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल से लेकर उस ये प्रीवियस ईयर का जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आएगा उस ड्यू डेट तक वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो एलिजिबल बिजनेस में एंगेज होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, वो एसएससी उसका 50% से ज्यादा का वोटिंग पावर हेल्ड करता हो। और चौथी कंडीशन, वो एलिजिबल स्टार्टअप होना चाहिए। अब एक बात समझना, एलिजिबल बिजनेस का मतलब क्या होता है, इस साल इन्होंने डेफिनेशन चेंज की और एलिजिबल बिजनेस
का मतलब होता है एलिजिबल स्टार्टअप जो भी कि इनोवेशन डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस और स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद द हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन, ये बिजनेस में अगर एंगेज है तो वो एलिजिबल बिजनेस माना जाएगा। एलिजिबल स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, तो पहली चीज 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2021 के बीच में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि जिस ईयर में वो एलिजिबल स्टार्टअप ATISA का डिडक्शन ले रहा है, ATISA डिडक्शन है वो 80 वाले डिडक्शन टॉपिक में आएगा, तो ATISA का डिडक्शन ले रहा है उस ईयर में उसका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आपका 25 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और उस स्टार्टअप के पास जो भी तुम्हारा IMBC रहता है, IMBC जो रहता है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, उससे उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एलिजिबल बिजनेस के लिए। न्यू प्लांट एंड मशीनरी में एक चीज ध्यान रखना कि न्यू प्लांटेड मशीनरी में क्या क्या नहीं आएगा, तो न्यू प्लांटेड मशीनरी में सेकंड हैंड नहीं आएगा, ऑफिस में यूज होता है वो नहीं आएगा, घर पे यूज होता है वो नहीं आएगा, एज वेल एज जिस पे आप 100% डिडक्शन ले लेते हो वो भी नहीं आएगा, व्हीकल्स नहीं आएगा, और जिस पे जो ऑफिस अप्लायंसेस होते हैं लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो भी नहीं आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारा बिजनेस है वो एलिजिबल स्टार्टअप है और वो स्टार्टअप अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप है तो उसमें आप कंप्यूटर पे भी एग्जेम्पशन ले सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप है उस पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 1037 क्या बोलता है, देखो अगर आपके पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, इंडिविजुअल HUF SSC है, गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेती है, और वो एग्रीकल्चर लैंड आपने 2 साल या उससे ज्यादा एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया, मतलब मिनिमम 2 ईयर्स के लिए एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया है ट्रांसफर की डेट से पीछे के 2 साल, अब एक बात समझना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेता है और RBI सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेशन है वो डिसाइड करती है, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा ड्यू टू सेक्शन 1037। अब एक बात समझना, 1037 ये क्या बोलता है, ये सेक्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आंध्र प्रदेश के अमरावती एरिया में लोग है करके, ठीक है। 1037A ये बोलता है कि जो भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की, क्योंकि हैदराबाद है वो तेलंगाना में मिल गया, तो आंध्र प्रदेश स्टेट की कोई भी कैपिटल नहीं है, और वहां पे उन्होंने कैपिटल न्यूली कैपिटल डेवलप कर रहे हैं, दैट इज द अमरावती। तो अगर अमरावती एरिया में आपके पास कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑन 2 जून 2014 आपके पास 2 जून 2014 को आपके पास वहां कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर देती है अंडर लैंड पुलिंग स्कीम, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, आप जैसे ही आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी था 2 जून 2014 को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, आपको उसके बदले लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट मिला, LPOC मिला, तब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर आपने किसी को LPOC बेच दिया तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब ध्यान रखना, LPOC के बदले आपको जो भी वहां पर रिकंस्ट्रक्टेड प्लॉट मिला, वो प्लॉट अगर जिस ईयर में मिला उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर बेच देते हो तो उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो भी तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई इंडिविजुअल HUF है, ये एग्जेम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF के लिए है, अगर कोई इंडिविजुअल HUF है जो अमरावती एरिया में, उसके पास कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है एज ऑन द 2 जून 2014 को, गवर्नमेंट क्या करती है लैंड पुलिंग स्कीम में उसकी वो प्लॉट है वो ले लेती है करके, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लेती है और उसको LPOC दे देती है, एक सर्टिफिकेट दे देती है, तब ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आपने किसी को LPOC बेच दिया तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। LPOC के बदले आपको कोई रिकंस्ट्रक्टेड प्लॉट मिला तो जिस ईयर में पोजेशन मिला उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो उस केस में ट्रांसफर नहीं, कैपिटल गेन आपको नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज समझना, मेरे पास लैंड थी, मैंने क्या किया, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया लैंड पुलिंग स्कीम में, मेरे को क्या मिला, LPOC मिला। अब एक बात समझना, मैंने आपको LPOC बेच दिया, मुझे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर आगे किसी को LPOC बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब आपके पास 2 जून 2014 को वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर आप होने चाहिए, तो ही उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो मैं ओनर था तो मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब एक बात समझना, आपको आपने LPOC नहीं बेचा और जो LPOC के बदले आपको रिकंस्ट्रक्टेड प्लॉट मिला वो अगर 2 साल में बेच देते हो तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा पता है, कि जिस ईयर में पोजीशन हैंडओवर हुआ था उस ईयर के एंड से 2 साल जहां कंप्लीट हो रहे हैं वहां पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगी वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। जिस ईयर में आपको पोजीशन मिला उस पोजीशन वाले ईयर के एंड से 2 साल जहां कंप्लीट हो रहे वहां पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहेगी उस रिकंस्ट्रक्टेड प्लॉट की वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे उसको लेकर क्लियरिटी नहीं है, तो उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो अपन तभी से लेंगे जब आपको पोजीशन हैंडओवर हुई थी। इज इट क्लियर और नॉट? यस। चलो थोड़ा पानी पी लो एक बार, उसके बाद लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, टैक्स रेट इन कैपिटल गेन। डन पीपल? पानी पी लिया आप लोगों ने? सर नहीं पिया पानी हम लोगों ने। सर इतना फास्ट फास्ट बोलते हो सर, हमको तो स्पीड धीरे करके देखना पड़ता है।
सर हम नॉर्मली क्या करते हैं, लेक्चर को 1.5 पे देखते हैं, बट आपके लेक्चर को हमको 0.75 पे देखना पड़ेगा, 0.5 पे देखना पड़ेगा तब जाके जाएगा। ओ ऐसा, ठीक है, बट दिस इज द रिविजन लेक्चर, ये कोई आपका रेगुलर लेक्चर नहीं है, फास्ट ट्रैक लेक्चर नहीं है, रिविजन लेक्चर है। ऑब्वियसली आपको सिर्फ ये चीजें क्लिक करवाने के लिए ये लेक्चर है जो आपके लिए अपलोड किए हुए है। तो बहुत बार ऐसा होता है आप रिविजन लेक्चर सुन के सीधे आप क्वेश्चन कर लो करके, ठीक है, या फटाफट बड़ा बुक देखते जो आपको समझ में चीजें आ जाएगी करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू 112A। अब एक बात समझना, ये सेक्शन 1038 के रिप्लेसमेंट है, पहले 1038 हुआ करती थी और 1038 ये बोलती थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेल पे, एसटीडी पे, किया ऐसा 1038 था, वो हटा दिया इस बार से, वो 1038 है वो हटा दिया और 1038 की जगह इन्होंने डाला 112A। अब ये 112A क्या बोलती है समझने की कोशिश करना, 112A आपको ये बोलती है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किस पे, पता है, इक्विटी शेयर पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख आपको 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट 1 लाख से ऊपर वाला है वो आपको 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यह है कि इक्विटी शेयर के केस में परचेज और सेल्स दोनों पे एसटीडी पे होना चाहिए, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के केस में सिर्फ सेल पे एसटीडी पे होना चाहिए, परचेज पे एसटीडी पे नहीं हुआ तो चलेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ 112A, 112A ये बोलती है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख है, वो आपको 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इक्विटी शेयर्स के केस में परचेज सेल दोनों पे एसटीडी पे होना चाहिए, और दो असेट्स, बाकी वाली दो असेट्स के केस में सिर्फ सेल पे एसटीडी पे होना चाहिए। अब एक और चीज समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो जब आप IFSC में ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पर एसटीडी लगता नहीं है, अब IFSC में ट्रांजेक्शन किया वहां सेल पे एसटीडी लगता है, वहां एसटीडी कंसेप्ट ही नहीं है, तो उस केस में भी क्या आपको 112A का बेनिफिट मिलेगा? यानी आंसर इज यस। अगर आपने ट्रांजेक्शन IFSC में किया और आपका कंसिडरेशन पेड और पेबल है वो फॉरेन करेंसी में है, तो उस केस में आपको 112A का बेनिफिट मिल जाएगा, भले वहां पे आपको एसटीडी नहीं लगा है। अब एक और बात समझना बेटा, जो भी तुम्हारा LTCG 112A वाला होता है उसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एज वेल एज द उस LTCG पे टैक्स निकालते टाइम आपको 112A पे जो टैक्स निकालते टाइम आपको 87A का जो रिबेट होता है 2500 का, वो भी आपको नहीं मिलेगा उस टैक्स के सामने। बट आप मेरा अमेंडमेंट लेक्चर देखना, वो अमेंडमेंट लेक्चर में इस सेक्शन को मैंने इन डिटेल पढ़ाया हुआ है, ये सिर्फ रिवीजन लेक्चर है, आप अमेंडमेंट लेक्चर देखोगे तो अमेंडमेंट लेक्चर में इस सेक्शन को मैंने इन डिटेल 2 घंटे तक सिर्फ यही सेक्शन पढ़ाई हुई है, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 87A का फंडा क्या है करके, ठीक है। प्रैक्टिकली 87A नहीं मिलेगा ऐसे भी आज की डेट में, ठीक है। अब एक और चीज समझना, मैंने क्या बोला कि इक्विटी शेयर्स के केस में, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, इक्विटी शेयर्स के केस में परचेज और सेल दोनों पे एसटीटी होना चाहिए, तभी आपको 112A का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक्सेप्शन डाल सकती है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपने परचेज पे एसटीटी पे नहीं किया तो भी चलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला, समझने की कोशिश करना, इन केसेस में आपने एसटीटी परचेज पे नहीं किया तो भी चलेगा, आप सेल पे एसटीटी पे कर दो, हम आपको 112A का बेनिफिट दे देंगे। सबसे पहला तो अगर आपने एक्विजिशन किया था वो 1 अक्टूबर 2004 से पहले किया था, एक बात बताओ 1 अक्टूबर 2004 से पहले एसटीटी लॉ ही नहीं था, एसटीटी इनफोर्स जो हुआ वो 1 अक्टूबर 2004 से हुआ, तो उससे पहले तो जो भी आपने शेयर खरीदे होंगे ऑब्वियसली एसटीटी पे नहीं किया होगा, तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, 1 अक्टूबर 2004 के पहले एक्वायर किया हुआ है, अब आप बेच रहे हो, सिर्फ सेल पे एसटीटी पे करो, इक्विटी शेयर पे परचेज पे नहीं किया तो भी आपको 112A का बेनिफिट मिल जाएगा। इस जो नोटिफिकेशन है उसका दूसरा पार्ट यह बोलता है कि अगर आपने 1 अक्टूबर 2004 के बाद एक्वायर किया और वो एक्विजिशन पे अगर एसटीटी लगता ही नहीं है, एक्विजिशन पे एसटीटी लगता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं चलेगा, आपको 112A का बेनिफिट मिल जाएगा, सिर्फ सेल पे आपको एसटीटी पे करना है। लेकिन इन्होंने नेगेटिवली यहां पे 3 ट्रांजेक्शन ऐसे दिए, नेगेटिवली यहां पे 3 ट्रांजेक्शन ऐसे दिए जिसमें आपको सेल पे आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले सेल पे एसटीटी पे किया तो भी आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि परचेज पे एसटीटी पे नहीं होता। ये 3 केस में आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला, अगर आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे जब वो कंपनी डीलिस्ट हुई, उस दिन से लेकर जिस दिन वापस रीलिस्ट हुई उससे 1 दिन पहले आपने मान लो उसके शेयर खरीदे, तो एक बात बताओ, एक कंपनी है जो पहले लिस्टेड थी, वो लिस्टेड कंपनी थी, उसके शेयर है वो डीलिस्ट हो गए, कंपनी डीलिस्ट हुई, तो कंपनी डीलिस्ट होने से लेके और जिस दिन रीलिस्ट हुई उसके पिछले दिन तक आपने जो भी शेयर खरीदे अब आप सेल करोगे उस पे 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉजिकली सोचो, जब डीलिस्ट हुई होगी तो ऑब्वियसली आपने जो खरीदे होंगे वो ऑफ द मार्केट खरीदे होंगे, वहां एसटीटी नहीं लगा होगा, तो आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा सेल पे। दूसरी कंडीशन यह है कि कोई एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, अगर कोई कंपनी है जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी है, मतलब एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है लेकिन उसके जो शेयर है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिनके शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं होते, और उसके शेयर अगर आप प्रेफरेंशियल इशू से खरीद लेते हो तो सेल पे आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
मतलब एग्जिस्टिंग लिस्टेड इक्विटी शेयर है लेकिन वो लिस्टेड इक्विटी शेयर है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है करके, ठीक है, और उसके शेयर आप प्रेफरेंशियल इशू से खरीद लेते हो तो आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा सेल के टाइम पे, सेल के टाइम पे 112A का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसमें एक और चीज समझना, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। अगर मान लो उस एक्विजिशन को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी, आरबीआई या सेबी ने अप्रूव किया है तो चलेगा, आपको सेल पे 112A का बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने एफडीआई गाइडलाइंस के हिसाब से खरीदा है तो बेनिफिट मिल जाएगा। और तीसरा, अगर किसी इन्वेस्टमेंट फंड या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने प्रेफरेंशियल इश्यू से खरीदा है तो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखो, मैंने क्या बोला पहले कि इक्विटी शेयर में 112A का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपने सेल और परचेस दोनों पे एसटीटी पे किया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया है कि परचेस के केस में हो सकता है गवर्नमेंट ऐसे एक्सेप्शनल डाल दे कि इनमें एसटीटी पे नहीं हुआ तो चलेगा, और गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्शनल डाले। गवर्नमेंट ने सबसे पहले बोला कि फर्स्ट अक्टूबर 2004 से पहले एक्वायर किया था उस पर आपने एसटीटी पे नहीं किया, चलेगा, सिर्फ सेल पे एसटीटी पे कर दो, 112A का बेनिफिट दे देंगे, क्योंकि पहले एसटीटी था ही नहीं फर्स्ट अक्टूबर 2004 से पहले। लेकिन आपने फर्स्ट अक्टूबर 2004 के बाद एक्वायर किया और अगर वो ट्रांजेक्शन एसटीटी चार्जेबल नहीं होता उस ट्रांजेक्शन पे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सेल पे एसटीटी पे करो, परचेस पे नहीं किया, चलेगा। लेकिन तीन ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिस पे आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला तो ये कि अगर कोई कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, डीलिस्ट की डेट से लेकर वापस रीलिस्ट होती है उसके पिछले दिन अगर आपने शेयर एक्वायर किए तो उस केस में सेल पे एसटीटी भले पे किया तो भी आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर किसी कंपनी के लिस्टेड इक्विटी शेयर है, जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड इक्विटी शेयर है, बट वो जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है और आप उसके जो शेयर है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में खरीदते हो तो आपको सेल पे 112A का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर एनसीएलटी, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने अप्रूव किया है तो आपको मिल जाएगा। अब एक और बात समझना, एक और एक्सेप्शन क्या है कि किसी कंपनी के शेयर है वो ऑलरेडी लिस्टेड है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन आप अगर ऑफ द मार्केट शेयर खरीदते हो, ऑफ द मार्केट कब हो सकता है, जैसे ईसोप वगैरह में अपने को मिलता है तो अपने को ऑफ द मार्केट होता है, एज वेल एज कंपनी जब फर्दर इशू करती है तो इशू होता है वो हमेशा ऑफ द मार्केट होता है, उसके बाद जाके वो लिस्टेड होता है करके, ठीक है। तो भैया, और जब आप इश्यू कर रहे हो तो उस पर एसटीटी नहीं लगता। अब एक चीज समझना, तो इन्होंने क्या बोला कि किसी भी कंपनी के शेयर है वो आप अगर ऑफ द मार्केट खरीदते हो, लिस्टेड इक्विटी शेयर है, बट अगर आप आउट ऑफ द मार्केट खरीदते हो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से एक्वायर नहीं करते हो, तो सेल पे आपको एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट उसके कुछ एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शन में उन्होंने बोला कि कंपनी ने अगर इशू किया था पब्लिक इशू और उसमें आपने खरीदा तो कोई बात नहीं, एसटीटी खरीदने पे नहीं किया, सेल पे एसटीटी पे करोगे, आपको बेनिफिट मिल जाएगा 112A का। दूसरा, अगर बैंक्स ने खरीदा, रिकंस्ट्रक्शन या सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने खरीदा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने खरीदा, या फिर जो खरीदा वो सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, एनसीएलटी, आरबीआई या सेबी के गाइडलाइंस के से खरीदा, मतलब उन्होंने अप्रूव किया था, या फिर आप अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के में खरीद लेते हो, आप अगर ईसोप में खरीदते हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज वेल एज एक बात समझना, मान लो मेरे को किसी ने शेयर गिफ्ट कर दिया, मतलब जो सेक्शन 47 के ट्रांजैक्शन होते हैं, मेरे को आपने शेयर गिफ्ट कर दिया तो मैंने एसटीटी पे नहीं किया होगा, मैं जब सेल करूंगा चलेगा, सेल पे एसटीटी पे करूंगा, मुझे एग्जेम्पशन है वो मिल जाएगा, या इन्वेस्टमेंट फंड या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने खरीदा तो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इन सिंपल वर्ड इसको बता दूं आपको कि मैंने क्या पढ़ाया। मैंने आपका 112A चालू किया। 112A क्या बोलता है समझना, 112A ये बोलता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और इन एक्सेस ऑफ 1 लाख है उस पे आपको 10% की रेट से टैक्स लग जाएगा। कंडीशन ये है कि इक्विटी शेयर में परचेस सेल दोनों पे एसटीटी पे करना है और बाकी दो असेट में सिर्फ सेल पे एसटीटी पे करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना, ये परचेस सेल दोनों पे एसटीटी पे करना है इक्विटी शेयर में, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाल सकती है जिसमें इक्विटी शेयर में परचेस पे एसटीटी पे नहीं किया तो भी चलेगा, उसके लिए एक्सेप्शन दे सकती है, और उन्होंने एक्सेप्शन दिया। पहला तो बोला कि फर्स्ट अक्टूबर 2004 से पहले एक्वायर किया था तो चलेगा, एसटीटी पे नहीं किया तो भी आपको सेल पे एसटीटी पे कर दो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, फर्स्ट अक्टूबर 2004 के बाद में खरीदा और जहां एसटीटी लगता ही नहीं है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, सिर्फ सेल पे एसटीटी पे कर दो। लेकिन एक चीज समझना, तीन एक्विजिशन ऐसे है जहां पे आपको सेल पे एसटीटी पे किया है तो भी आपको परचेस पे एसटीटी पे नहीं हुआ होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा 112A का। सर, ये कौन कौन से ट्रांजेक्शन है? पहला, अगर कंपनी डीलिस्ट हो जाती है और वापस रीलिस्ट होती है, तो डीलिस्ट होती है उस दिन से लेकर रीलिस्ट हुई उसके पिछले दिन तक जो भी शेयर एक्वायर किए, सेल पे एसटीटी पे किया तो भी आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर किसी भी एग्जिस्टिंग लिस्टेड इक्विटी शेयर किसी कंपनी के है और आप क्या करते हो, वो शेयर जो है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है और आप उस कंपनी के शेयर है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में खरीदते हो तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर मान लो किसी कंपनी को ऑलरेडी लिस्टेड इक्विटी शेयर है बट अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ के, मतलब आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज आप एक्वायर करोगे तो आपको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा सेल पे, बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि अगर कंपनी ने इशू किया तब खरीदा या ईसोप में खरीदा, किसी से गिफ्ट मिला, स्लम सेल में मिला और फिर आप बेचते हो तो आपको 112A का बेनिफिट मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट ऑर नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 55 दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक चीज समझना, अगर 112A लगता है तो आपको उस शेयर की या फिर जो तुम्हारा क्या बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है या जो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स है उसके लिए सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे?
अब एक बात समझना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का, जो कॉस्ट लगा था एज वेल एज द 31 जनवरी 2018 को जो फेयर मार्केट वैल्यू था, विच एवर इज हायर। मैंने आपको कैसे बताया था कि आप एक काम करो, आप अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना, अगर ये कंसेप्ट आपको रीकैप नहीं हो रही है चीजें तो, ठीक है, अमेंडमेंट लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे सब, ठीक है, मिल जाएंगे आपको, अगर अपलोड नहीं हुए तो जल्दी ही हो जाएंगे। अब एक चीज समझना, इधर देखना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेने का, पहले आप उस शेयर और सिक्योरिटी की कॉस्ट ले लो, दूसरा आप क्या करो कि उसका FMV as on 31 Jan 2018 ले लो, और जो FMV as on 31 Jan 2018 है उसको पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से कंपेयर करो सेल कंसिडरेशन से। तो 31 Jan 2018 का जो FMV है और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर वाला लो, और जो तुम्हारी कॉस्ट थी विच एवर इज हायर कंपेयर करके और आप ले लो, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसा इसमें बोला हुआ है, देखो सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, उसके बाद में आप एक काम करो कि FMV as on 31 Jan 2018 जो है और सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर लो, इसका जो लोअर आता है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर है, वो तुम्हारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर सेक्शन 55। लॉजिक्स वगैरह मैं ऑलरेडी आपको हर बैचेस में समझा चुका हूं। लेकिन सर ये 31 जन 2018 का FMV निकालेंगे कैसे, तो मैं बता दूं 31 जन 2018 का FMV कैसे निकालेंगे। सबसे पहला 31 जन 2018 एक और लॉजिक मैंने बताया हुआ है कि 31 जन का क्यों लेते हैं, क्योंकि बजट फर्स्ट को आया था तो उन्होंने बोला डोंट वरी अबाउट दैट, 31 जन तक जो भी तुम्हारा कैपिटल एप्रिसिएशन हो चुका है उसमें मैं कैपिटल गेन नहीं लूंगा, उसके बाद वाले पे कैपिटल गेन वगैरह लूंगा। तो 31 जन 2018 का FMV कैसे निकालोगे, सबसे पहले अगर लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी है, अगर लिस्टेड शेयर एंड यूनिट्स है, शेयर्स है या तो इक्विटी शेयर या यूनिट्स होगी करके, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर लिस्टेड शेयर एंड यूनिट्स है तो आप एक काम करो 31 जन का जो हाईएस्ट कोट है वो ले लो, वो एफएमवी हो जाएगा। लेकिन मान लो उस दिन ट्रेडिंग हुई नहीं, तो उसके पिछले कौन से दिन ट्रेडिंग हुई थी उस दिन का आप हाईएस्ट कोट ले लो, दैट विल बी योर एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018। अब एक और बात समझना, अगर अनलिस्टेड शेयर्स और यूनिट है, क्या है अनलिस्टेड शेयर्स और यूनिट्स है, तो उस केस में आप एक काम करो, यूनिट्स के केस में तो 31 जन 2018 का एनएवी ले लो, वो तुम्हारा हो जाएगा FMV as on 31 Jan 2018। But अगर 31 Jan 2018 को इक्विटी शेयर अनलिस्टेड है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो आपके इक्विटी शेयर की कॉस्ट थी मल्टीप्लाई बाय 272, दैट इज 17-18 का इंडेक्स, और डिवाइड बाय जिस ईयर में आपने एक्वायर किया था उस ईयर के इंडेक्स से आप डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा FMV as on 31 Jan 2018। उसके बाद सेक्शन 111 ये बोलता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, सेल थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और सेल पे सिर्फ एसटीडी पे किया है, तो आपको 111A बोलता है 15% की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो देखो इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर आप सेल करते हो और उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, सिर्फ सेल पे आपने एसटीटी पे किया हुआ है तो सिर्फ 15% की रेट से आपको टैक्स लग जाएगा। एक और चीज समझना, आईएफएससी में एसटीटी नहीं लगता तो भी आपको 111A का बेनिफिट मिल जाएगा, कंडीशन इज दैट कि आपको कंसिडरेशन है वो फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए। उसके बाद अदर कैपिटल गेन पे क्या टैक्स रेट लगेगा, देखो लॉन्ग टर्म है तो 20%, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगेगा, मतलब जो भी आपका स्लैब रेट है तो स्लैब रेट से जाएगा, नॉर्मल अदर वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, 111A को छोड़ के 111A में 15%, बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो तुम्हारी नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगेगा। अब एक और बात समझना, अगर तुम्हारी कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है, लिस्टेड सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स को छोड़ के और जीरो कूपन बॉन्ड्स, उसके केस में आपके पास ऑप्शन है कि 20% विथ इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर है वो आप टैक्स भर देते हो। और मैं बता दूं ये आजकल रिलेवेंस नहीं है, ये प्रोविजो का ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। क्यों रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि देखो लिस्टेड इक्विटी शेयर है तो उस पर ऐसे भी 112A में 10% की रेट से टैक्स जाएगा, और दूसरा तुम्हारा जो लिस्टेड सिक्योरिटी दूसरा कोई बचा जैसे डिबेंचर बॉन्ड्स है तो वो ऐसे भी 10% विदाउट इंडेक्सेशन जाएगा, क्योंकि डिबेंचर बॉन्ड्स के केस में इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं। लेकिन एक चीज समझना, ये कब लग सकता है, अगर लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर वगैरह है तो उस केस में ये प्रोविजो लग सकता है। उसके बाद एक और चीज समझना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है, उन्होंने कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटी बेची, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी ने अनलिस्टेड शेयर और सिक्योरिटी बेचा, तो उस पर 10% की रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन आपको फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो नॉन रेजिडेंट क्या है, नॉन रेजिडेंट, या तो नॉन रेजिडेंट है या फिर क्या है फॉरेन कंपनी, उसके पास अगर अनलिस्टेड शेयर और सिक्योरिटी है वो ट्रांसफर करता है तो उस पर क्या होगा कि सिर्फ 10% की रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब ना तो वो कन्वर्जन वाला जो सनी वाला था वो एप्लीकेबल होगा और ना ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब एक और चीज समझना, आपके पास अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या तो 20% वाला, या LTCG 112A वाला है 10% वाला, या STCG 111A वाला है 15% वाला, और अगर मान लो आपकी अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है,
तो क्वेश्चन ये आता है, क्या बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट इन स्पेशल रेट्स के तीनों के सामने ले सकते हैं या नहीं? आंसर इज यस, आप ले सकते हो। मतलब अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन से कम है अदर इनकम, तो जितना कम है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन, अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जेम्पशन को आप 112A में जो लॉन्ग टर्म होता है या 111A का शॉर्ट टर्म या फिर 112A का लॉन्ग टर्म, उसके सामने आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूं, ये बेनिफिट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही लगेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, उसी को यह बेनिफिट मिलेगा। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को यह बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को यह बेनिफिट मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपके पास कोई सिक्योरिटीज है, क्वेश्चन ये आता है कि सर जो सिक्योरिटी शेयर्स रहती है उसकी इनकम बिजनेस में जाएगी या कैपिटल गेन में जाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स। आपको फैक्ट चेक करने पड़ेंगे, और फैक्ट चेक करने के लिए उन्होंने बोला हुआ एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 4/2007 का, और वो सर्कुलर ये बोलता है कि अगर मान लो आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो बिजनेस में जाएगा, ट्रांजैक्शन कम है तो आपके कैपिटल गेन में जाएगा। अब एक और चीज समझना, ट्रांजैक्शन का ट्रेंड क्या है? जैसे परचेज 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 सेल है तो कैपिटल गेन, परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल है तो आपका बिजनेस में जाएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, आपका होल्डिंग पीरियड कितना है? अगर पीरियड ज्यादा है तो कैपिटल गेन, कम है तो बिजनेस में। आपने पैसा कहां से लगाया था? अगर पैसा खुद का था तो कैपिटल गेन, पैसा उधार लाके लगाया तो बिजनेस करके, ठीक है? बिकॉज उधार लाके लोगों को आपने बिजनेस करते देखा होगा, उधार लाके कभी भी इन्वेस्टमेंट करते नहीं देखा। उसके बाद में अगर आपका ये देखना पड़ेगा इंटेंशन क्या है, अगर आपका इंटेंशन डिविडेंड कमाना है तो उस केस में कैपिटल गेन में जाएगा, और अगर आपका इंटेंशन है वो इंटेंशन कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना है तो उस केस में आपका पीजीबीपी में जाएगा करके, ठीक है? अब एक बात समझना, यहां पे इंटेंशन वगैरह पता करना इजी नहीं था, तो उसके लिए अरुण जेटली जी ने एक नया सर्कुलर लाया, दैट इज द सर्कुलर नंबर 6/2016। ये बहुत चीजें क्लियर कर जाता है। ये सर्कुलर ये बोलता है, देखो मार्केट में 99% जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो लिस्टेड सिक्योरिटी में होते हैं, और ये सर्कुलर लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में लगेगा। और सर्कुलर ये बोलता है कि, समझने की कोशिश करना, ये सर्कुलर ऐसा बोलता है कि अगर आपके पास कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है और असेसी खुद ही इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, असेसी खुद ही अगर इनकम पीजीबीपी में बता देता है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड बताता है, तो डिपार्टमेंट उंगली नहीं करेगा, मतलब डिपार्टमेंट उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, डिपार्टमेंट उसको डिस्प्यूट नहीं करेगा। देखो, इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, अगर असेसी खुद ही स्टॉक इन ट्रेड बता देता है सिक्योरिटी को, लिस्टेड सिक्योरिटी को, तो डिपार्टमेंट डिस्प्यूट नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो 1 ईयर से ज्यादा का पीरियड ऑफ होल्डिंग वाली जो भी लिस्टेड सिक्योरिटी है, 1 ईयर से ज्यादा का पीरियड ऑफ होल्डिंग वाली जितने भी लिस्टेड सिक्योरिटी है, अगर एसएससी उसको कैपिटल असेट बताता है तो डिपार्टमेंट उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, डिपार्टमेंट उंगली नहीं करेगा, डिपार्टमेंट उसको डिस्प्यूट नहीं करेगा। उसके बाद में अब एक बात समझना, अगर एसएससी ने यह बताया कि 1 साल से ज्यादा वाली सिक्योरिटी को मैं कैपिटल असेट बता रहा हूं, तो उसको हर साल उसको कैपिटल असेट ही बताना पड़ेगा, अगले साल जाके वो अपना व्यू चेंज नहीं कर सकता, अपना स्टैंड चेंज नहीं कर सकता। तो देखो, सर्कुलर नंबर 6/2016 के दो पॉइंट, अगर लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में असेसी खुद ही उसको स्टॉक इन ट्रेड बताता है इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, डिपार्टमेंट उंगली नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो 1 ईयर से ज्यादा का लिस्टेड सिक्योरिटी का पीरियड ऑफ होल्डिंग और असेसी उसको क्या बताता है, कैपिटल असेट, तो डिपार्टमेंट उसको उंगली नहीं करेगा। लेकिन एक बार उसने कैपिटल असेट का अगर स्टैंड लिया है तो हर साल उसको वही कंटिन्यू करना पड़ेगा, आगे जाके वो चेंज नहीं कर सकता। अब एक बात समझना, अनलिस्टेड सिक्योरिटी के केस में भी आप हमेशा कैपिटल असेट होगा। हाँ, अनलिस्टेड सिक्योरिटी है वो नॉर्मली ट्रांजेक्शन बहुत कम होते हैं, रेयरली ट्रांजेक्शन होते हैं, बट उसका भी एक क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट का है कि भैया उस केस में हमेशा कैपिटल असेट होगा और कैपिटल गेन में जाएगा, कभी भी बिजनेस में नहीं जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना कि यहां पे ट्रांजेक्शन जेन्युइन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन का अगर जेन्युइननेस ही क्वेश्चनेबल है तो असेसिंग ऑफिसर डिफरेंट व्यूज वगैरह ले सकता है। लास्ट सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन, सेक्शन 55A, ये बोलती है कि बहुत बार असेसिंग ऑफिसर है, आपने फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के दिया एओ को, बट एओ उस फेयर मार्केट वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। अब एक बात बताओ, वैल्यूएशन ऑफिसर को केस वो कौन कौन से केस में ट्रांसफर कर सकता है? यहां पर दो सिचुएशन दे रखी है। पहला, अगर आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट लाया और एओ को लग रहा है कि एओ के हिसाब से जो एफएमवी है और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वो निकाली है वैल्यू, उसके बीच में कुछ वेरियंस है, तो उस केस में आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है एओ। मतलब आपने जो वैल्यू निकाली है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के हिसाब से लाई है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट लाया है, लेकिन एओ के हिसाब से वैल्यू में कुछ वेरियंस है, तो उस केस में एओ है वो आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, अगर मान लो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से वैल्यू नहीं निकाली, आप ही ने वैल्यू बताई है एफएमवी वगैरह, लेकिन एओ की जो एफएमवी है और आपने जो एफएमवी बताई है उसके बीच में डिफरेंस है, एओ की एफएमवी ज्यादा है, किससे ज्यादा है पता है, आपने जो वैल्यू बताई है उसके 15% से ज्यादा है या 25,000 व्हिचएवर इज लोअर है उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है एओ। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, किसी असेट की एफएमवी मैंने 1 लाख बताई
और असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि 1,20,000 है, तो देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20,000। अब एक बात समझो, जो असेसी ने क्लेम किया वो 1 लाख का 15% कितना हुआ, 15,000, और 25,000 विच एवर इज लोअर कितना हुआ, 15,000। तो 15,000 से ज्यादा वेरियंस है क्योंकि वहां पर वेरियंस 20,000 है, तो उस केस में मेरा केस है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, मैंने वैल्यू जो बताई है वो 1 लाख बताई, एओ को लगता है 1,12,000 है, मैंने 1 लाख बताई, एओ को लगता है 1,12,000, डिफरेंस कितना है 12,000। अब एक बात बताओ, 1 लाख का 15% कितना आएगा, 15,000, और 25,000 विच एवर इज लोअर कितना, 15,000। तो देखो 15,000 से ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो उस केस में, इस केस में एओ मेरा केस है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द असेट एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर को लग के, अगर एओ को लगता है कि आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर होना चाहिए, तो उस केस में भी वो वैल्यूएशन ऑफिसर को आपका केस है वो ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको सीखना है, दैट इज द टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। इधर देखो, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, और टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट में आपकी जो सेक्शन होती है दैट इज द 56-210, और 56-210 क्या बोलती है समझने की कोशिश करना। अगर आपको एनी पर्सन, किसी को भी कोई गिफ्ट मिलता है या कोई असेट आप लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो, दो पार्ट, अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो, किसमें आते हो, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो, तो उस केस में सेक्शन 56-210 नहीं लगती और आपको कोई भी गेन टैक्सेबल नहीं होगा। अब आप बोलोगे मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब मैरिज पे आपको गिफ्ट मिलता है, आर का मतलब रिलेटिव से मिलता है, आई का मतलब इनहेरिटेंस में मिलता है, या फिर आई आई के बाद में डी मींस इन कंटेम्प्लेशन ऑफ डेथ, एच मतलब हॉस्पिटल से मिलता है, यू मतलब यूनिवर्सिटी से मिलता है, टी मतलब ट्रस्ट से मिलता है या ट्रस्ट को मिलता है करके, ठीक है, यू का मतलब आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, एल ए का मतलब लोकल अथॉरिटी से मिलता है, आईटीसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल ने मान लो किसी ट्रस्ट को गिफ्ट दिया और वो ट्रस्ट उस इंडिविजुअल के एक्सक्लूसिव रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाया है, टी का मतलब जो हॉस्पिटल्स वगैरह है उनसे देखो आपको गिफ्ट मिलता है तो भी एग्जेम्प्ट है, और वो हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटी को गिफ्ट दिया उनके हाथ में भी एग्जेम्प्ट है, और सी का मतलब क्या होता है, वहां पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं कि जैसे अमलगमेशन डीमर्जर में कोई असेट मिलती है या होल्डिंग से सब्सिडरी को मिलती है, सब्सिडरी से होल्डिंग को मिलती है, एचईओ के पार्टीशन पे मिलती है, तो उस केस में रिसीवर को आईएफओएस में टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो उस केस में 56-210 नहीं लगेगा। मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, एम मतलब मैरिज, आर मींस रिलेटिव, आई मींस इनहेरिटेंस, डी मींस इन कंटेम्प्लेशन ऑफ डेथ, एच मतलब हॉस्पिटल से मिलता है, यू मतलब आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, टी मींस ट्रस्ट से मिलता है या ट्रस्ट को आप गिफ्ट देते हो, तो और बेटा एलए मींस लोकल अथॉरिटी से आपको गिफ्ट मिलता है, आईटीसी का मतलब, आई का मतलब किसी इंडिविजुअल ने क्या किया, अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए किसी ट्रस्ट को दिया, तो उस ट्रस्ट के हाथ में 56-210 नहीं लगेगी। एज वेल एज अगर मान लो हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी वगैरह को गिफ्ट मिलता है आपसे, तो उस केस में भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के हाथ में 56-210 नहीं लगेगी। और अगर ऐसे ट्रांजेक्शन, सी का मतलब सर्टेन ट्रांजेक्शन जो सेक्शन 47 में कवर होते हैं, जैसे अमलगमेशन में क्या हुआ कि अमलगमेशन से, अमलगमेटिंग कंपनी से अमलगमेटेड कंपनी को असेट मिल गई, ठीक है, या जो शेयर होल्डर है उसको अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर के बदले अमलगमेटेड कंपनी के शेयर मिल गए, होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी होल्डिंग, एचयूएफ का पार्टीशन, तो उस केस में रिसीवर के हाथ में 56-210 नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में नहीं, अदरवाइज, तो अदरवाइज में क्या होगा, अदरवाइज में समझने की कोशिश करना, अगर आप किस में आते हो, अदरवाइज, अगर आप अदरवाइज में आते हो और अगर आपको मनी मिला और एग्रीगेट मनी पूरे साल का मिला के 50,000 से ज्यादा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मनी नहीं मिलता, आपको मूवेबल असेट मिलती है, और एक बात बताओ मूवेबल असेट में कौन कौन सी असेट कवर होती है, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, सिर्फ ये 9 असेट कवर होती है मूवेबल असेट में। ये असेट आपको अगर फ्री में मिली और एग्रीगेट एफएमवी 50 से ज्यादा है फुल्ली टैक्सेबल, अगर आपको ये लो कंसिडरेशन से मिली तो एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसिडर डिफरेंस 50 से ज्यादा है तो डिफरेंस आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट में मिली, फ्री में मिली इमूवेबल प्रॉपर्टी, और पर प्रॉपर्टी एसडीवी 50,000 से ज्यादा है फुल्ली टैक्सेबल, और अगर मान लो आपको लो कंसिडरेशन से मिलती है, देयर इज अमेंडमेंट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको लो कंसिडरेशन से मिलती है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी आप अगर लो कंसिडरेशन से एक्वायर करते हो, और ध्यान रखना पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा है एंड एसडीवी कंसिडरेशन के 105% से ज्यादा है, तो उस केस में आपके हाथ में डिफरेंस है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना कि भैया अगर मान लो आईएफओएस में आपने एक बार टैक्स भर दिया, IFOS में आपको SDV या फिर FMV पे टैक्स लग गया है, तो ध्यान रखना जिस SDV FMV पे आपको टैक्स लगा है वही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी ड्यू टू द सेक्शन 49(4). ये बोलती है कि भैया आप नॉर्मली कॉस्ट क्या होती है, जैसे गिफ्ट के केस में प्रीवियस ओनर का लेते हैं, या खरीदा है तो जो खरीदा है वही कॉस्ट बनेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने IFOS में टैक्स भर दिया है, 56-210 में आपने टैक्स भर दिया, तो जिस वैल्यू पे आपने टैक्स भरा है, जिस SDV FMV पे आपने टैक्स भरा है, वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाएगा। अब एक और चीज समझना,
उसके आगे कुछ एग्जांपल दे रखे, वो एग्जांपल आपने ऑलरेडी देखे होंगे। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू 43 सी। एक बात समझना, एक सेक्शन होती थी 50 सी कि कैपिटल असेट है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर देते हो और आपका कंसिडरेशन से ज्यादा एसडीवी है तो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। अब यहां पे एक सेक्शन 43 सीए है, वो क्या बोलती है समझना, अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो स्टॉक इन ट्रेड है, क्या है स्टॉक इन ट्रेड, वो 50 सी तब लगती थी जब कैपिटल गेन है, अब क्या है स्टॉक इन ट्रेड। जैसे बिल्डर वगैरह है, तो बिल्डर के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कैपिटल असेट नहीं होती, स्टॉक इन ट्रेड होता है। तो अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड मतलब बिल्डर ने कोई फ्लैट वगैरह बेचा और अगर उसका एसडीवी कंसिडरेशन से ज्यादा है तो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग योर पीजीबीपी इनकम। लेकिन यहां पे भी 5% का वो टॉलरेंस मेंट डाला है, समझने की कोशिश करना कि एसडीवी जो है वो कंसिडरेशन जो होता है वो कंसिडरेशन से 105% से ज्यादा है तो ही आपको एसडीवी लेना है, अदरवाइज कंसिडरेशन है वही तुम्हारा सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, इसमें एज वेल एज 56-210 में भी अगर असेसी एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है, ही मे रिक्वेस्ट टू द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर में ट्रांसफर योर केस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। अब इसके बाद एक और चीज समझने का, सर ये जो एसडीवी लेते हैं ना, ये कौन सी डेट की लेते हैं? देखो तीन सेक्शन में एसडीवी का फंडा आया, एक तो 50 सी में आया, एक 43 सीए में आया, एक 56-210 में आया। ये तीन सेक्शन ऐसी है जहां पे एसडीवी का फंडा आया। अब क्वेश्चन ये आता है कि एसडीवी कौन सी डेट की लेते हैं, तो मैं बता दूं नॉर्मली जो एसडीवी लेते हैं वो रजिस्ट्रेशन की डेट की लेते हैं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकालते कौन सी डेट को, रजिस्ट्रेशन की डेट को। स्टैंप ड्यूटी पे कौन सी डेट को करते, रजिस्ट्रेशन की डेट को, तो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट को लेते हैं। लेकिन एक चीज समझना, इन तीनों सेक्शन में ऑप्शन है कि अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है तो आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी ले सकते हो, अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी ले सकते हो, लेकिन अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो या कुछ ना कुछ पैसा आपने पे कर दिया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ध्यान रखना लास्ट ईयर तक 43 सीए में एनी मोड अदर देन कैश लिखा था, बट उसको इस बार अमेंडमेंट कर दिया और यहां पे भी इन्होंने लिख लिया एनी मोड अदर देन कैश को हटा के उन्होंने लिखा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। नेक्स्ट सेक्शन इज 56-207B। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो क्या करती है कि अगर शेयर है वो प्रीमियम पे इशू करती है। क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर प्रीमियम पे इशू कर रही है किसको, रेजिडेंट शेयर होल्डर को। क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर प्रीमियम पे इशू कर रही है रेजिडेंट शेयर होल्डर को, तो जो भी इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस है वो कंपनी के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड उसके बाद लास्ट सेक्शन ऑफ द IFOS और फर्स्ट रिविजन लेक्चर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ये भी इस साल नई सेक्शन डाली है कि अगर मान लो आपका एम्प्लॉयमेंट हो, आप एम्प्लॉय हो और अगर आपका मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन होता है आपके टर्म्स एंड कंडीशन में, मतलब आपके एम्प्लॉयमेंट में या तो टर्मिनेशन होता है या मॉडिफिकेशन होता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, और उसके लिए अगर आपको कुछ पैसा मिलता है एम्प्लॉयर को छोड़ के किसी से, तो उस केस में वो आपके IFOS में टैक्सेबल होगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक बात समझना, आप मान लो रिलायंस में काम करते हो, आप रिलायंस में जॉब करते हो और अगर मान लो मैंने आपको बोला कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर दो, मैं आपको 10 लाख दूंगा, आपने वहां जॉब छोड़ा, मेरे पास आए, मैंने आपको 10 लाख दिया, ये आपके कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा? ये तो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, ये तो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि आपको एम्प्लॉयड से मिल रहा है। ध्यान रखना एम्प्लॉयड से, एम्प्लॉयमेंट से पहले या एम्प्लॉयमेंट के बाद कभी भी कुछ भी मिलता है वो तुम्हारे सैलरी हेड में जाएगा। लेकिन एक बात समझना, मैंने आपको बोला रिलायंस की जॉब छोड़ दो, सिर्फ छोड़ दो, मैं आपको 10 लाख देता हूं, मैंने आपको 10 लाख दिया, आपने रिलायंस की जॉब छोड़ दी, आपने मेरे को ज्वाइन नहीं किया, आपने छोड़ दी, मेरे को खुन्नस थी मुकेश अंबानी पे, ठीक है, मुझे सिर्फ मुखिया पे खुन्नस थी, इसके लिए मैंने बोला मुखिया का एम्प्लॉय तोड़ देता हूं, मैंने बोला तुम जॉब छोड़ दो मुकेश अंबानी का, मैं आपको 10 लाख देता हूं, मैंने ये नहीं बोला मेरे यहाँ जॉब करो, आपने जॉब छोड़ दिया, मैंने आपको 10 लाख दिया। अब एक बात बताओ ये 10 लाख कहाँ टैक्सेबल होगा? पहले इसमें डिस्प्यूट था कि ये कहीं टैक्सेबल नहीं होगा करके, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर से तो मिला नहीं, मैं उसका एम्प्लॉयर नहीं, ना तो मुकेश अंबानी से मिला होता तो उसको सैलरी में चला जाता, तो मैंने उसको 10 लाख दिया जॉब छोड़ने के लिए, वो कहीं पे टैक्सेबल नहीं था। तो इस बार इन्होंने अमेंडमेंट किया 56-211 एक सेक्शन डाली और इन्होंने बोला कि किसी भी पर्सन से कुछ भी पैसा मिलता है जो कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें टर्मिनेशन से रिलेटेड या मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट उससे रिलेटेड पैसा मिलता है तो that will be treated as the income और 56-211 में taxable हो जाएगा। So this is the completion of your first revision lecture जिसमें मैंने exhaustively almost all provision है जो मैंने एक बार आपको बोल के सुनाए करके, ठीक है, और ये तीन topic complete किए, tax rate वाला, उसके बाद में capital gain और उसके बाद में income from other sources। exam में जाने से पहले कम से कम 3-4 बार इन revision lecture को आप सुनोगे तो आपको बहुत सारी sections भी याद आ जाएगी और आपको बहुत सारी चीजें है वो दिमाग में रहेगी। चलो आज के लिए इतना बहुत है, thanks a lot people, I request you to share all this revision lecture with all of your
फ्रेंड जिन्होंने मेरे से क्लास ली है या नहीं ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। और मैं बता दूं आपको, अगर देखने पुराने रिविजन लेक्चर आप देखोगे जो मेन और नवंबर 2018 एग्जाम के लिए थे, उसमें रिविजन लेक्चर फर्स्ट है, उस पर अप्रोक्स 4 लाख के करीब व्यूज है। सो आई वॉन्ट दैट इस बार इस पर कम से कम 5 लाख प्लस व्यूज होने चाहिए ऑन द फर्स्ट रिविजन लेक्चर। और जैसे ये रिविजन लेक्चर है उस पर आपको लाखों व्यूज है आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू सर्व यू करके, ठीक है, बिकॉज आपने बहुत कुछ मुझे दिया है तो मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मेरी ये ड्यूटी रहती है कि आपको मैं सर्व करूं थ्रू द रिविजन लेक्चर। और आप जितना हो सके इसको शेयर करना, और हमारा जो चैनल है उस पर एक सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि जब भी नया कोई भी रिविजन लेक्चर आए आपको इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग इतनी देर मुझे सुने उसके लिए थैंक्स अ लॉट पीपल, थैंक यू।